हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं और जितने भी मेरे ऐप वाले लोग हैं देख पा रहा हूँ ऐप में सब लोग को देख पा रहा हूँ मैं तो यूट्यूब वाले एक बार गुड इवनिंग कर दो मेरे को क्लियर हो जाए कि साउंड वीडियो सब गुड है जितने लोग ऐप वाले में हैं उसमें भी गुड इवनिंग कर दो सब लोग जस्ट मेरे को आइडिया हो जाए कि यस एवरीथिंग इज़ गुड सर तो आज हम कंट्रोल सिस्टम की जस्ट बेसिक से बात करने वाले जस्ट जर्नी स्टार्ट करने वाले और अच्छा मेरी तबीयत कैसी है तबीयत मेडिसिन वगैरह कुछ कुछ ले रहा हूँ मैं और अभी फिट नहीं हूँ पूरे तरीके से फिट नहीं, नहीं हूँ ठीक है मेडिसिन वगैरह चालू किया हूँ ठीक है मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब चालू किया हूँ <laughs> तो इवनिंग अभी वॉक ही करके आ रहा हूँ मतलब फास्ट वॉक मॉर्निंग वॉक सब एक रूटीन रूटीन फॉलो करना चालू किया हूँ बट ठीक है इट्स ओके इट्स पार्ट ऑफ लाइफ सिक्सटीन ईयर से बॉडी uh, के साथ मैं ऐसा किया हूँ तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें रहेगी बट इट्स ओके कर लूँगा मैं ठीक है फिट हो जाऊँगा मैं ठीक है ओके okay. ठीक है सब लोग आगे एक बार तो जितने लोग भी ये, प्यार मोहब्बत एकदम दिखा दो यूट्यूब वाले जितने लोग एकदम प्यार मोहब्बत एकदम बरसात कर दो एकदम और लाइक कर दो सेशन को सब जगह शेयर कर दो और फिर मैं चालू करता हूं पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या पहला क्वेश्चन कितने लोगों को पता है कि नोट्स प्रॉपर बनाते और ऐप में ऐसे कितने लोग हैं ऐप में ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार जो पहली बार में से पढ़ने वाले हैं जस्ट मेरे को अभी तक में से कभी नहीं पढ़े इन जनरल कोई भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग से एंडिंग तक में से कभी नहीं पढ़े ऐप में ऐसे लोग क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार में से पढ़ रहे होंगे ठीक है तो जस्ट जो लोग फिर पहली बार होंगे ऐसा लगता है मेरे को तो जो लोग पहली बार में से पूरा पढ़ेंगे पूरा सब्जेक्ट ठीक है ओके और अब भी प्लान किया मैं कि चलो YouTube फैमिली के लिए पहला चैप्टर क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो पूरा तो मैं कंट्रोल सिस्टम YouTube में नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम इन जनरली पढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा बोलने का मतलब है एक बेहतरीन कमांड होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक तो मेरे को लगा कि आप लोग में से इतना अलग टाइप का प्यार करते हो इतना सारा मेरे से पूछते रहते हो मेरी हेल्थ के लिए इतना प्रे करते हो तो पहला चैप्टर में बोला कि डेडिकेटेड टू तो सभी के लिए रखता हूँ बोला तो पूरा अभी से क्लियर कर देता हूँ ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ में झूठ नहीं बोलता हूँ कि उस वे में कि मैं बोलूँगा ये कर दूंगा प्रोमिस वैसे वाले नहीं करूँगा जो पॉसिबल है वो करूँगा लेकिन आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा तो आप मेरी पूरी बातों ध्यान से सुनते रहिएगा सभी लोगों को पता है कि नोट्स कैसे बनाते प्रॉपर स्पायरल बाइंडिंग वाली कॉपी चाहिए मेरे को टू थ्री कलर्स के पेन चाहिए जबरदस्ती कलरफुल नहीं बनाना है लेकिन जब नीड होगी तो मैं बोल देता हूं मैं खुद बता देता हूं आपके पास रहना चाहिए जबरदस्ती कलरफुल नहीं करना क्योंकि हम एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे तो लेकिन आपके पास रहना चाहिए सब कुछ रहना चाहिए अंडरलाइन करते रहना चाहिए जो जो मैं बोलूंगा तो पूरे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे मैं बोला ठीक है पूरे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे सब कुछ सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग रहेगा ठीक है सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग रहेगा ओके तो लव यू ऑल लव यू ऑल स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक ये स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक चाहिए इवन वो ब्लैंक कॉपी चाहिए ना स्पाइरल बाइंडिंग में भी ब्लैंक वाली ए सी चालू रखना दोनों स्पाइरल बाइंडिंग में ब्लैंक वाली रखना बोला मतलब उसमें लाइनिंग वाली मत रखना क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में ग्राफ वगैरह बहुत बनाएंगे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे बहुत सारा तो इन जनरल बहुत सारी बात करता हूँ इन जनरल तो जो स्पेशली जितने भी ऐप वाले लोग हैं वो लोग प्रॉपर वे में प्रॉपर वे में अपने नोट्स बनाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा का पूरा मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ठीक है आ, मैं देखता हूं बोला पहला चैप्टर तो मैं सोचा हूं कि यूट्यूब फैमिली को पहला चैप्टर प्रोवाइड कर देता हूं और ऐप वाले लोग तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ेंगे तो आज की पहली क्लास ही है तो सभी लोग आ चुके हैं एकदम सभी लोग ओके वन ट्वेंटी डेज वाला क्रेस कोर्स का क्या प्लानिंग है तो मैकेनिकल सिविल केमिकल के लिए आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए बताऊंगा कंप्यूटर साइंस और आई टी के लिए भी आ रहा है <laughs> लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए एक प्लान कर रहा हूँ मतलब डेली मैं मतलब अभी फिट भी नहीं था इसलिए कुछ प्लानिंग पेंडिंग हो गई कुछ प्लानिंग एग्जीक्यूट हो गई तो कुछ प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी कुछ प्लानिंग जस्ट बताऊंगा ठीक है तो आई एम गुड मैं अच्छा हूँ लंबी लंबी क्लासेस नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी तो लंबी लंबी क्लासेस के लिए मेरे को मना किया गया है मतलब छः आवर्स सेवन आवर्स ऐसा करके मेरे को ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेना है ठीक है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाने वाले हो नहीं प्रॉपर नोट्स बनाने वाले हो आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हो और भूल जाओ कि किसी भी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत है या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है मैं जो आपको बुकलेट दूंगा वो सफिशियट रहता है बुकलेट एक्चुअली और कंट्रोल सिस्टम में, में मेरे पूरे नोट्स आप फॉलो करेंगे और बहुत सारे टीचर लोगों का भी आ, बहुत सारे टीचर लोग का भी मैसेज आ रहा था कि सर कंट्रोल सिस्टम का सर वेट कर रहे हैं। तो कुछ टीचर लोग भी कंट्रोल सिस्टम की क्लासेस ज्वाइन किए तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को भी बड़ा मजा आए जितने भी टीचर कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को भी बड़ा मजा आए कि कंट्रोल सिस्टम में आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो वहां पर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ाते हो तो इन जनरल एक कंट्रोल सिस्टम की गुड फीलिंग आप आप भी क्रिएट कर सके मैं ट्राई करूंगा ठीक है ओके तो सबसे पहले तो हम अपनी कॉपी में जस्ट कंट्रोल सिस्टम ठीक है तो कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मैं कैसे कैसे कवर करने वाला हूं तो फर्स्ट मेरे को लगता है कि मैं स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस से स्टार्ट करता हूं मैं कि क्या क्या रहने वाला है तो सिलेबस से स्टार्ट कर देता हूं कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है ठीक है ओके तो अगर आप सिलेबस नोट कर रहे हो ठीक है तो जस्ट सिलेबस आप नोट करेंगे किस ऑर्डर से मैं पढ़ाऊंगा किस ऑर्डर से पढ़ाऊंगा तो मेरा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम होगा बेसिक कंसेप्ट आज यही से स्टार्ट करने वाला हूं मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली इस वाले चैप्टर को मैं बड़ा अच्छे से प्लान करके रखा हूं कि कंट्रोल सिस्टम की फीलिंग पहले बेसिक कैसे क्रिएट करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम नॉर्मली लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कहां से ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लोग्राफ से स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लोग्राफ एस एफ जी सिग्नल फ्लोग्राफ एस एफ जी थर्ड हमारा जो होगा वो टाइम रिस्पॉन्स होगा फोर्थ जो मैं फोर्थ जो मैं कंटिन्यू करूंगा वो राउत फोरवेड्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ये अपन पढ़ेंगे ओके रूट लोकस सिक्स वन पोलार प्लॉट बहुत सारे लोग पोलार और नाइकिस प्लॉट को अलग अलग नहीं कर पाते तो जितने इस्पेशली टीचर कम्युनिटी है वो लोग केयर करें कि ऐसे ही आपको डिवाइड करना चाहिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो पोलार प्लॉट नाइकिस प्लॉट यहाँ पे पूरा कैमरा रख देंगे एट की बात करूँ तो बोडे प्लॉट तो प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हम बात करने वाले हैं नाइन्थ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्यों कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं क्या क्या जरूरत पड़ती है ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट स्पेस एनालिसिस स्टेट स्पेस एनालिसिस ठीक है तो स्टडी स्पेस एनालिसिस रहेगा इलेवन जो रहेगा हमारा वो रहेगा कंपनसेटर कंपनसेटर्स और ट्वेल्थ जो चैप्टर रहेगा वो कंट्रोलर रहेगा कंट्रोलर्स ऐसे ट्वेल्थ चैप्टर्स में मैं डिवाइड करता हूँ एक्चुअली पूरे कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस को ऐसे ट्वेल्थ चैप्टर में डिवाइड करता हूँ इस चीज का भी ध्यान रखता हूं कि जब मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो किसी को थियोटिकल कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए Uh, क्या क्या इसमें कवर होगा इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा गेट का एग्जाम तो कवर होता ही क्योंकि गेट पर पढ़ाता ही मैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप अगर पेपर देने वाले हो ऑब्जेक्टिव या कन्वेंशनल कुछ भी कुछ भी देने वाले हो एस एस जेई का पेपर देने वाले उसमें तो कन्वेंशनल में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो बनेगा इस बार का जो एम वाला जो पार्ट आने वाला है तो अगर कंट्रोल सिस्टम से कोई एमएस आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको बड़ा आइडिया होगा वो कुछ भी पूछे किसी भी स्टाइल में पूछे कितना भी इंडेप्थ पूछे अगर एमएस का क्वेश्चन अगर कंट्रोल सिस्टम से आएगा तो आप बड़े एडवांटेज में रहेंगे क्योंकि अपने बने वाला वाला है ऐसा कुछ क्वेश्चन वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाएंगे कि अपन सॉल्व न कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है 99.9 नाइन पॉइंट नाइन परसेंट तो मैं स्योर रहता हूँ चीज़ों को लेके पॉइंट वन पॉइंट वन छोड़ देते हैं पॉइंट जीरो वन नहीं ठीक है तो ये आपके पास सिलेबस है और मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और मैं पहला चैप्टर मेरा जो स्टाइल होता है वो बड़ा अलग होता है लोग ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ पे फोकस करते हैं क्योंकि कंट्रोल सिस्टम यही से स्टार्ट होता है कंट्रोल सिस्टम थोड़ा हायर सेमेस्टर का सब्जेक्ट है लाइक फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर तो कंट्रोल सिस्टम जितने लोग भी पढ़ाते हैं पूरे इंडिया में वो लोग ये सोच के पढ़ाते हैं कि बेसिक बेसिक लोगों को आता होगा किसी को स्टेप सिग्नल का लापलास आता होगा किसी को पल्स सिग्नल का लापलास ट्रांसफॉर्म आता होगा ऐसा मान के ही कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होता है तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने के पहले लोग सोचते हैं कि सिग्नल सिस्टम आना चाहिए हर टीचर ऐसा मान के कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता है मेरा जेमसन जीरो होगा मैं कुछ भी अचीव नहीं करूंगा आपको, आपको सिग्नल सिस्टम आता है नहीं आता है आपको कुछ भी आता है नहीं आता है इसका कोई लेना देना नहीं इसका भी कोई लेना देना नहीं कि मैं से आप नेटवर्क पढ़े हो कि मैं से एनालॉग पढ़े हो जब मैं कंट्रोल पढ़ा रहा हूं तो मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल देता हूं कि मैं से कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है इसका मतलब है कि पहले से उसके उसको कुछ आता होगा ऐसा मैं छोड़ देता हूं मैं जब कंट्रोल पढ़ा रहा हूं तो मैं बेसिकली मैं कंट्रोल सिस्टम का टीचर बन जाता हूँ तो अपने आप को पूरे कंट्रोल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करता हूँ उसमें मैं इस बात को अपने माइंड से हटा देता हूँ कि यार लोग में से नेटवर्क पढ़े तो उनको आता होगा लोग में से यूट्यूब में पढ़े तो को बेसिक आता होगा इस बात को मैं कभी भी काउंट नहीं करता हूं कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा हूं इसका मतलब है कि मेरा जो फॉर्मेट है मेरा खुद के सोचने का तरीका है वो कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा तो ऐसे टीचर तो मैं कंट्रोल सिस्टम का टीचर हूं अब ठीक है तो कंट्रोल सिस्टम के पॉइंटों पे इसे अपन सोचेंगे इन जनरल ठीक है तो ठीक है तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो कोई भी वरी ना करे किसी भी चीज़ के लिए सर कितने पेज की कॉपी बनाई मेरे को नहीं पता मतलब वो, वो, वो कितने भी पेज की कॉपी बनाओगे आप कितने भी पेज की कॉपी बना बनाओगे तो, नेक्स्ट कॉपी बनाना पड़ेगा चाहे कितने भी पेज की कॉपी बना लो इतनी बड़ी भी कॉपी बनाओगे तो नेक्स्ट कॉपी बनाना पड़ेगा कॉपी इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास कंटेंट कितना आता है कनेक्टेड फॉर्म में हमारे सोचने का तरीका थॉट प्रोसेस वाइज कितना बेस्ट होता है और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब कंट्रोल सिस्टम आप में से पढ़ लो तो किसी टीचर के सामने खड़े हो और आप बोलो कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो उसको टेंशन होना चाहिए उसको टेंशन होना चाहिए ठीक है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो ठीक है ओके चलो तो अब अब अगर आपके पास कॉपी के नेक्स्ट पेज की बात करें कि सिलेबस में हम जा रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम में मैं जा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट तो चैप्टर नंबर वन पे मैं जाऊंगा तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम नेक्स्ट पेज में अपन हेडिंग डाल डालेंगे ठीक है तो पूरा हटा दे रहा हूं बोला इधर से आ जाओ हेलो पूरा हटा दो पूरा ये ब्लैक ब्लैक में जितना लिखा है पूरा हटा दो ठीक है सिलेबस आप नोट कर लिए होंगे ठीक है उसको हटाना नहीं था बट ठीक है बोला था कंड उसको मत हटाना ठीक है चलेगा ओके बेहतरीन टाइप से पूरा हटा दो यस इस इस वाले को भी कर, इस वाले को को भी क्लीन कर ये हाँ बस ठीक है चलो तो लक्ष्य गोयल लव यू डियर तो आ, आ, जस्ट आपका आप बस रेडी रहना पेन कॉपी लेके आप इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अगर आया है तो आ, वो ना रहे क्योंकि इंटरटेनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा ठीक है पढ़ने वाला पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो कोई भी अगर ऐसे घूमते फिरते आया है तो उसकी वो वो अपना और कुछ भी करे बोला और कुछ भी करे लेकिन आपको पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर पहला चैप्टर में पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है तो ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूं अगर मैं बोलूं कि चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट कर रहा हूं तो चैप्टर नंबर वन ठीक है जीरो वन न्यू पेज में हेडिंग डालेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेसिक कंसेप्ट आप कंट्रोल सिस्टम में हम बात करने वाले हैं ठीक है अगर मैं बोलूं कि ठीक है इसमें अगर मैं टॉपिक की बात करूं टॉपिक टॉपिक वन में अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट टॉपिक में क्या स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ये हमारा टॉपिक वन है क्या बात करने वाले टॉपिक वन में ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं ये हमारा टॉपिक वन है आज का टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे बोला हम ठीक है बड़े ध्यान से आप पूरी चीज़ों को देखते रहिएगा अभी आप क्या करो मालूम अपन ना यहाँ से कमेंट्स डिसेबल कर सकते हैं ना कमेंट्स ऑफ कर दो यूट्यूब के हाँ कमेंट्स ऑफ कर दो अगर अपने को क्लियर है कि कमेंट्स कैसे ऑफ करते हैं तो मैं चाहता हूं कि कमेंट्स ऑफ कर दिए जाए बस मेरी बात सुनेंगे जब मैं बोलूंगा कि ऑन कर दो तभी ऑन करना तभी तो नीड नहीं है ठीक है चलो ठीक है सिवम वो है बोला आप अगर पी वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनफ है यस ठीक है अब देखना ध्यान से हेल्प ले लेना ले भाई ना अगर समझ नहीं आए तो सुजीत की हेल्प ले लेना ले ले ले, प्रशांत की हेल्प ले लेना प्रकाश खेल तीनों को कॉल लगा लेना किसी ना किसी को पता होगा ठीक है चलो अब देखते हैं अपन कि टॉपिक वन है ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तो कैसे स्टार्ट करते हैं ना एकदम ध्यान से सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सिस्टम सबसे पहले मैं सिस्टम की डेफिनेशन लिखता हूं सिस्टम की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन सिस्टम फिर ओपन सिस्टम फिर कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे पहले सिस्टम लिखता हूं तो लिखो लिखो सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट नोट डाउन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स, विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट सिस्टम सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट विच गिवस प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट तो प्रॉपर आउटपुट में कर लो भाई विच गिव प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट ठीक है ओके okay. तो so, मैं पहला स्टार्ट किया सिस्टम से कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं मैं नॉर्मली तो सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट यस ठीक है अब मैं बोल रहा हूं ये सिस्टम लिखे अपन ओके कंट्रोल सिस्टम लिखते हैं, पहले मैं लिखा सिस्टम अब लिख रहा हूं मैं कंट्रोल सिस्टम ठीक है कंट्रोल सिस्टम लिख रहा हूं यहां से हटना मतलब कमेंट्स ऑफ नहीं होते हैं ना कमेंट्स ऑफ मतलब ऑफ अपने मोबाइल कर लो गुड ठीक है एकदम गुड है यहां पे ऐप वालों का कमेंट चलने देना ऐप वाले कर सकते हैं ठीक है कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में भी सेम डेफिनेशन लिख रहा हूं क्या बोल रहा हूं कंट्रोल सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट विच गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट दोनों एसी को चालू करना बाईस में रखना विच गिव्स दोनों चालू है कि मेरे को क्यों लग रहा बंद है बांदे? मैं पढ़ाता हूं समीर को बुलाना चाहिए सब चीज़ में सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच आउटपुट फॉर ए गिवन डेफिनेशन लिखा मैंने ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेट विच कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट विच कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट कंट्रोल आउटपुट में अंडरलाइन करो कंट्रोल्ड आउटपुट में अंडरलाइन करो ठीक है? ओके तो मैं बोला कि देखो सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है कि सिस्टम में हम कंट्रोल आउटपुट की बात नहीं कर रहे और यहां पे हम कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल्ड आउटपुट की बात कर रहे हैं समझना धीरे धीरे ना अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है आप एक इनपुट दिए एक सिंपल आपके पास इनपुट दिए ये. ये आपके पास एक इनपुट है एक सिस्टम है और ये आपके पास आउटपुट सिस्टम हो गया एक सिस्टम हो गया सिंपल इनपुट दिए सिस्टम आपके पास बेसिक सिस्टम इनपुट दे रहे आउटपुट मिल रहा है बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूं तो आपके पास कुछ तो डिवाइस होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए तो सपोज करो आप एक इनपुट है आपके पास आप कंट्रोलर में दे रहे हो कंट्रोलर में दे रहे हो अब आपके पास अगर आप इस सिस्टम में अप्लाई करोगे इस सिस्टम में अगर अप्लाई करोगे तो जब कंट्रोलर में दे रहे हो तो अब आपका इनपुट ना कंट्रोल्ड इनपुट हो गया ठीक है क्या हो गया कंट्रोल्ड इनपुट हो गया अब जब इस सिस्टम में दे रहे तो ये हो गया कंट्रोल्ड आउटपुट ये हो गया कंट्रोल्ड आउटपुट क्योंकि कंट्रोल्ड इनपुट आप दिए थे मान लेते हैं तो पहला सिस्टम था पास कंट्रोल सिस्टम है क्योंकि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आ गया कंट्रोल्ड सिस्टम क्योंकि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आ गया ओके okay, ठीक है तो मैं बोल रहा हूं कि देखो पहले सबसे पहले अपने को जब बेसिक जब अपन स्टार्ट करते तो आ, जब हम बेसिक स्टार्ट करते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोला कि सिस्टम क्या है

सबसे पहले हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी सब्जेक्ट के लिए उसकी फीलिंग बहुत स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है।, है कि अगर आपको सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग आता है लेकिन आपको यह पता नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हो किस वे में पढ़ रहे हो तो मैथमेटिकल मॉडलिंग तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन उसके पहले एक सब्जेक्ट की फीलिंग इंपॉर्टेंट है तो जस्ट आप ध्यान से देखते रहना तो सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम तो इसमें कंट्रोल नहीं लगा है, तो मैं बोला यहां पर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अगर होगा तो एक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा ओके ठीक है भाई अब अब मैं बोल रहा हूं ठीक है ये एग्जाम्पल नोट किए होंगे ब्लॉक डायग्राम दो ब्लॉक डायग्राम बनाए बेसिक सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम दो ब्लॉक डायग्राम आप नोट किए ओके ठीक है भाई अब मैं क्या बोल रहा हूं इन जनरल इन जनरल पैराग्राफ चेंज किया ये दो एग्जाम्पल की बात इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम ठीक है अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं कि कंट्रोल सिस्टम को सर कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है बोला इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम तो दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं तो क्या लिख रहा हूं मैं इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम ठीक है फर्स्ट वन फर्स्ट वन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ठीक है चलेगा अगर मैं बोल रहा हूं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ठीक है अब दोनों तो कंट्रोल सिस्टम है तो दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है और एक क्लोज कंट्रोल सिस्टम होता है क्या मतलब है आपके पास इसके बारे में बात करेंगे ठीक है अब मैं बोल रहा हूं कि इन जनरल दे आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सेकंड वन इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम अगर मैं दोनों के बेसिक ब्लॉक डायग्राम की बात करूं फिर मैं आपको और भी आपके लैंग्वेज में समझाता हूं तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो समझ रहे हैं आपके पास ये सपोज करो ये एक इनपुट हम दे रहे हैं ये कंट्रोलर है ये कंट्रोलर है सपोज करो एक प्रोसेसर आपके पास प्रोसेसर या सिस्टम ये प्रोसेसर सिस्टम है और ये आपके पास कंट्रोल्ड आउटपुट है कंट्रोल्ड आउटपुट यस क्योंकि कंट्रोल्ड इनपुट दे रहे हैं हम लोग ये आपके पास एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ठीक है ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम है आप इनपुट दिए कंट्रोलर में दिए कंट्रोल्ड इनपुट आपके पास मिला प्रोसेसर में दिए और प्रोसेस होके कंट्रोल आउटपुट मिला यस yes. ठीक है यहां पे पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट होता है पता है आपके पास यहां पे पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम इन केस ऑफ ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट इन केस ऑफ ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकेस ओपन लुप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट यस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट ठीक है भाई ये लिखिए अपन ओपन लुप कंट्रोल सिस्टम के बारे में जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम बनाए ठीक है, है अच्छे से नोट करते जाना फिर मैं बोल रहा हूं एक और फिगर बनाने जा रहा हूं मैं ये कंट्रोलर ये प्रोसेसर प्रोसेसर ओके ठीक है ये सपोज करो सेंसर्स लगे हुए हैं ये सेंसर लगा हुआ इसका आउटपुट है ये कंट्रोल्ड आउटपुट है कंट्रोल सिस्टम में तो कंट्रोल आउटपुट तो होगा ही भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेंसर्स में कनेक्टेड है ये इनपुट आपके पास इनपुट ओके अभी भी हम कंट्रोल इनपुट दे रहे प्रोसेसर में कोई बात नहीं है यहाँ पे हम कंट्रोलर लगा रहे तो कंट्रोल्ड इनपुट तो दे रहे इसलिए आपके पास आउटपुट कंट्रोल्ड है फीडबैक कनेक्टेड है आपके पास सेंसर के थ्रू इसको बोलता हूँ मैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास आंसर नहीं होगा याद रखना है इस चीज़ को ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो आपके पास आंसर नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना आराम से सब चीज पे अपन आएंगे ये आपके पास कंपरेटर कंपरेटर या एडर जो कि सप्ट्रैक्शन भी कर सकता है कंप्रेटर तो ये आपके पास एक फीडबैक आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाए दोनों फिगर को बड़े ध्यान से आप देखते जाना बोला दोनों फिगर को बड़े ध्यान से देखते जाना तो क्लोज कन... तो लुक और तेको बहुत मेहनत करना है ना याद रखना जैसे उस जगह पर है तो तेको वहाँ रखना है फिर यहाँ से कभी एक आधी बार यहाँ पर भी लाना है ना तो अभी वहाँ रखना ठीक है।, है तो जैसे आपके पास टू ब्लॉक डायग्राम बनाया है मैं एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ठीक है बस दोनों फिगर में अगर मैं बात करूं तो आपको भी पूछूं कि यार दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप बोलोगे कि सर दोनों में क्या सिमिलरिटी है तो मैं बोलूंगा कि यार दोनों ही कंट्रोल आउटपुट है दोनों में ही कंट्रोलर होगा यस सर यस सर दोनों में कंट्रोलर मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं बताया यार क्या सिमिलरिटी है सर दोनों में तो कंट्रोल आउटपुट होगा यस क्या 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 है सर कंट्रोलर है ना सर कंट्रोलर है एक कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर तो होगा सर यस अच्छी बात है हाँ लेकिन दोनों में क्या चीज अलग अलग है सर इसमें फीडबैक है सर द फीडबैक उसमें फीडबैक नहीं है अच्छी बात है चलो बात है बोला तो अभी हम क्या लिखे थे पता है इनकेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट यस अब क्या लिखवा रहा है पता है इस ब्लॉक डायग्राम को बनाना क्वेश्चन नहीं करना है आपको क्वेश्चन की नीड ही नहीं है क्वेश्चन की कभी नीड ही नहीं पड़ेगी आपको पूरे कंट्रोल सिस्टम में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक किसी को कोई नीड नहीं पड़ेगी ठीक है इसलिए मैं अभी कमेंट्स भी ऑफ करा दिया यूट्यूब वाले कमेंट्स भी ऑफ करा दिए जिससे कि वो लोग जो सिंसियर स्टूडेंट है जो लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं जैसे घूमते फिरते आ जा रहे बात करना चाहते तो मैं अभी कमेंट्स इसलिए अभी ऑफ करवा दिया कि आप जो पढ़ना चाहते वो लोग रहे इससे मैटर नहीं करता कि ज्यादा लोग आ रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं जो लोग भी सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं वो लोग रहे करके तो अभी ये मैटर नहीं करता कि ज्यादा लोग कितने लोग हैं इट्स ओके अभी अभी मैं यहां पे बात करूं इन केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इन केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन आउटपुट इनकेस ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम इन केस ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन आउटपुट वहां पर क्या लिखे थे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट यहां क्या लिखे थे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन आउटपुट

बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो बोल दिया कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो होगा वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा वहां पे तो इंडिपेंडेंट है आउटपुट से ठीक है और भी बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चर वाइज दिख रहा है तो ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर वाइज और इंक्लूजिव कंट्रोल सिस्टम देर इज फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट दिख रहा होगा आपके पास यस यस ओके तो इन जनरली अगर मैं बोलूं तो आप भी पॉइंट लिख सकते हो कि उसमें फीडबैक नहीं होता उसमें फीडबैक होता तो लिखने की जरूरत नहीं है वेरी सिंपल लिखने की जरूरत नहीं है और किसी सब्जेक्ट की फीलिंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है इन जनरल मेरे को पता है सोलह साल से पढ़ा रहा हूं तो इन जनरल मेरे को पता है कि, कि स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ना चाहिए किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अब अगर आपके पास सोचा जाए कि आपके प्रेजेंट एग्जाम्पल से आपकी लाइफ का जो रूटीन लाइफ है उसके एग्जाम्पल से अगर आपको ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लुक कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात की जाए ठीक है तो कैसे बात की जाएगी तो मैं क्या करता हूं आपके लाइफ से रिलेटेड मैं चीजों को एड करता हूं जैसे लाइक ठीक है यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास डिजायर स्पीड है प्रेजेंट स्पीड सपोज करो प्रेजेंट स्पीड जो भी स्पीड है अब कंट्रोलर आपके पास अब आप सपोज करो प्रोसेसर में इंजन की बात कर लेता हूँ प्रोसेसर में मैं इंजन की बात कर फिगर फिकर बनाना नेक्स्ट फिगर बनाने इसका तो मैं ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम में एग्जाम्पल ले रहा हूँ सपोज करो एक बाइक का एग्जाम्पल ले लेता हूं या स्कूटी का एग्जाम्पल ले लेता हूं या कार का एग्जाम्पल लेता हूं ठीक है स्कूटी या बाइक या कार किसी का भी एग्जाम्पल ले लेता हूं ठीक ले है तो मैं बोल रहा हूं कि क्या है आ, ये आपके पास एक्चुअल स्पीड है एक्चुअल स्पीड है ठीक है समझना सपोज करो मैक्सिमम लोग बाइक चलाते हैं बॉयस लोग और गर्ल्स लोग स्कूटी या जो भी एक्टिवा जो भी यार ठीक है तो आ, उस लोग के घर में कार भी होगी तो जस्ट कार का भी एग्जांपल ले सकते तो सपोज़ करो आप आपके पास एक पर्टिकुलर एक स्पीड है डिजायर स्पीड या प्रेजेंट स्पीड बोल दिया अब आ, बाइक भी अब तो आ चुकी है मतलब जिसमें कि मतलब ऑटोमेटिक वाली बाइक भी आती है लेकिन फिर भी एक्सलेटर आप दे रहे हो और गेयर गेयर चेंज करते जा रहे हो तो आपके पास अब ना कंट्रोलर के आपके पास की जैसे कि आप अब गेयर चेंज किए सेकेंड टू में था टू में आपकी बाइक थी टू में या थ्री में आपके पास थी और आप एक्सीटर से और मतलब गेयर चेंज किए फोर में लाए टॉप गेयर में लाए और एक्सीटर दिए तो स्पीड बढ़ जाएगी तो जो कंट्रोलर है आपके पास कंट्रोलर जो है आपके पास कि आप अपना पैडल आपके पास जस्ट पुश किए आपके पास एक्सीटर को पुश किए जस्ट गेयर चेंज किए और जस्ट इसकी स्पीड बढ़ गई यस yes. यह स्कूटी वगैरह है तो स्कूटी वगैरह में तो गेयर चेंज करना पड़ता नहीं बस आप बस एक्सीटर देते जाओ और बस ये बढ़ते जाएगी तो जैसा कंट्रोलर था कंट्रोलर ध्यान से देखना मेरी बातों को कंट्रोलर है अब ये इंजन में जैसे भी आप स्कूटी बढ़ा रहे हो तो आप जब बस आप कंटिन्यू करते जा रहे हो तो स्पीड बढ़ते जाएगी और ये इंजन में इंजन में गया आपके पास और यह जो आउटपुट मिलेगा आपके पास जितना भी आप जितना बढ़ाते जाओगे एक्सीटर देते जाओगे तो वह बढ़ते जाएगी उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी यस तो मैं बोल रहा हूं कि ये एक आपके पास एक ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम है जैसे आप बाइक चला रहे हैं स्कूटी चला रहे हैं या कार में भी आपके पास आप गेयर चेंज किए और जितनी उसकी स्पीड का रेंज है जितनी उसकी स्पीड का रेंज है 70 पे चल रहा था और आप टॉप गियर में डाले और 80 हाईवे पे तो 90, 100 किसी से किसी से कंपेयर कर रहे हैं किसी से अगर रेसिंग कर रहे हो तो वन टेन यस ठीक है तो ये आपके पास ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कि ना आपको इनपुट देना है आपके पास मैनुअली आपके पास इनपुट देना है तो कंट्रोलर जो आपके पास है कंट्रोलर से मैनुअली इनपुट आप देते जा रहे हो यस yes, बढ़ते, बढ़ते जा रही है स्पीड बढ़ते जा रही है ठीक है लेकिन याद रखिएगा आपके पास कि एक ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम है तो क्या आपके पास ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम है तो अगर आपके पास यहां पे डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस की अगर मैं बात करूं डिस्टर्बेंस इनपुट की बात कर देता हूँ सपोज करो कि अब बहुत ज्यादा स्पीड हाईवे में है कार चला रहे हो बाइक चला रहे हो स्कूटी गर्ल्स लोग स्कूटी भी फास्ट चलाती है एक्टिव वगैरह है तो लोग एकदम एकदम स्पीड में रहते हैं सपोज करो आप कोई आ गया बीच में एकदम से कोई आ गया अब एकदम से आ गया एकदम से आपके पास स्पीड है और आप बिल्कुल एकदम समझ रहे ना ईयरफोन मतलब लगा के एकदम भगाए पड़े भगाए पड़े हो गाड़ी को डिस्टर्बेंस आपके पास अगर कोई इनपुट आएगा तो आपका एक्सीडेंट होना ही है एक्सीडेंट होने ही आपके पास क्योंकि आप स्पीड में एकदम हंड्रेड वंड्रेड क्रॉस कर डाले तो अब तो मतलब नेक्स्ट लेवल चल रहा है मतलब गाड़ी तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम है अब इसको कैसे बात कर सकते देखना डिस्टर्बेंस आ गया तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है आप जानते हो इस बात को ओके चलो इट्स ओके okay. मैं बोल रहा हूँ कि इसी से सेम सिस्टम को सेम सिस्टम को अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो डिजायर्ड इनपुट आपके पास रखते हैं एक्चुअल आपके पास डिजायर्ड स्पीड की बात करते हैं अब क्या आपके पास डिजायर्ड स्पीड है अब यहां पे भी आप यहां पे भी स्कूटी हो कार हो या बाइक हो आप अपने टॉप गियर में हो और एकदम आगे बढ़ते जा रहे हो अब ये इंजन में गया इंजन में गया ठीक है अब ये एक्चुअल स्पीड एक्चुअल स्पीड ओके ये एक्चुअल स्पीड से आपके पे जा रहा है नेक्स्ट एग्जांपल लेना उसी में मत लिख लेना अब क्या आपके पास की बात करते हैं अपन कंट्रोल सिस्टम की क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तो कंट्रोल सिस्टम है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कि अब अगर सपोज करो स्कूटी चला रहे हो या आप बाइक चला रहे हो तो आप देखते हो ना सामने आपके पास वो दिखते जाता है कि उसकी स्पीड बढ़ती जाती है सामने देखते हो ना आपके पास जो स्पीडोमीटर रहता है था, उसमें आप देखते जाते हो ना कि उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही आपको दिखते जाता है अब आपको जैसे दिखा सपोज करो जैसे आपके स्पीडोमीटर में सामने लगा रहता है आपके पास स्कूटी में भी होता होगा अभी में रहेगा तो स्पीड बढ़ते जा रही है आपको देखो एट्टी नाइनटी हंड्रेड ऐसा होते जा रहा है ऐसा स्पीड दिखते जा रही तो आपका ब्रेन काम किया स्पीडोमीटर में आप देखे में जैसे देखे तो आपका ब्रेन काम किया और आपको लग रहा है तो स्पीड ज्यादा हो रही है तो अब आप उसको देख के काम कर रहे हो ना तो फिर जैसे ही ना जैसे ही आपको लगा कि भैया स्पीड जो हो रही है आपको लगता है कि यार इस जगह पे एक हाईवे पे स्पीड 80 तक ठीक है लेकिन आपको लग रहा है कि आप 100 वगैरह तक बढ़ा दिए 100 110 कर दिए फिर आपके पास दिखा कि

कंपेयर होगा आपको लगता है कि डिजायर्ड स्पीड आपके पास 80 90 हाईवे में ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे कंपेयर हुआ अब आपके पास जो कंट्रोलिंग एक्शन है कि आप अगर बाइक में हो और आपको लग रहा है कि आपको गियर आपका एकदम टॉप गियर में है तो आप तुरंत क्या करोगे आपके पास कम करोगे एक्सीलेटर को कम करोगे गियर को कम करोगे तो ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है आपके पास ये कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म है ये अब आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम हो गया तो अब इसमें ना आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो गया इसमें अब आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि हाईवे में एक डिजायर स्पीड इतनी होना चाहिए और स्पीड आपकी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग अब आपका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ये इन्वॉल्व हो गया तो यह क्लोज लू कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात गई जब आप अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लिए जब अपने आप को पूरा इन्वॉल्व लिए स्पीडोमीटर लगा लिए मान लो कि स्पीडोमीटर एक सेंसर के समान है आपको सामने सो हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो अब आपका एक्शन चालू हो गया मतलब ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ये जो एक्चुअल स्पीड हुई और स्पीडोमीटर में आप देखे कि स्पीडोमीटर जो भी बोलते हैं उसमें आप देखे ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इस एक्चुअल आउटपुट पर डिपे डिपेंडेंट हो गया तो अब यह क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम हो गया क्योंकि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या है चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कुछ लोग कार चलाते होंगे तो घर घर में क्या होता है जैसे कि किसी के पास अगर कार वगैरह होगी तो कई पेरेंट्स लोग मानते हैं कि कार कोई बहुत फास्ट चलाएगा तो वो अपनी स्पीड मेंटेन कर देते कि भैया ये कार ना नाइन्टी से ज़्यादा नहीं भागेगी स्पीड स्पीड पहले से फिक्स स्पीड कर देते कि नाइन्टी पे फिक्स करवा लेते हैं आई टेन आई ट्वेंटी कोई भी कार अगर किसी के पास हो तो स्पीड फिक्स करा लिए पता है ठीक है अब क्या आपके पास की अब सपोज करो कि ये डिजायर्ड स्पीड आपके पास नाइन्टी करवा ली उस कार में कि नाइन्टी से आगे बढ़ेगा ही नहीं नाइन्टी से आगे बढ़ेगा नहीं अब आपके पास जो भी जो भी स्पीड से आप जा रहे थे अब आप कार में अब आप एक्सिले आपके पास बस गेयर चेंज किए और जस्ट उसकी एक्सलेटर पे पैर रखे और वो स्पीड बढ़ना चालू स्पीड बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है ये इंजन में गया आपके पास ये जो प्रोसेसर है ये जो एक्चुअल स्पीड है फिर अब आपके पास क्या जो जो लगा होगा पूरा का पूरा जो दिख रहा होगा क्योंकि वो तो पहले से फिक्स कर दिया है आपके पास यहां से फिक्स है ऑटोमेटिक तो कंट्रोलिंग होता है, वो कि उसकी जो डिजायर स्पीड है नाइन्टी है और जो एक्चुअल स्पीड है नाइन्टी से ज्यादा नहीं हो सकता अगर ज्यादा जाने का ट्राई करेगा तो कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म बना हुआ है स्पीड के लिए क्योंकि अगर वो 90 फिक्स है तो 90 से ज्यादा तो जा नहीं सकता चाहे आप कुछ भी कर लो तो जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो पता है पे बेस्ड है जो आपका एक्चुअल स्पीड हो रहा है अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो कम करके 90 90 को क्रॉस नहीं करने देगा तो हर चीज जो भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है आपके पास अगर वो आउटपुट पे डिपेंडेंट है इसका मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और अगर आपके पास कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट है दैट मींस अ ओपन लुप कंट्रोल सिस्टम ये जस्ट मैं आपके लैंग्वेज में बताया कि आप अपने आप को कैसे देख पाते हो तो अगर आप कंट्रोल कर रहे हो स्पीडोमीटर को देख के आप अपनी स्पीड को कम कर दे रहे हो आपके जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो आप अगर आप कोई गर्ल्स कोई अगर कोई लड़की है और वो स्कूटी चला रही है तो वो आपके जैसे जैसे बढ़ाते जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है लेकिन फिर वो कम कर ले रही है तो ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आपके पास हैंड का जो मूवमेंट है जो हम पूरा गये बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हो तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आउटपुट पर डिपेंडेंट है दैट मींस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तो ऐसे करके जस्ट धीरे धीरे चीजों को बढ़ाना चाहिए कि चीजें क्या हो रही है और भी मैं मस्त मस्त भीग्जाम्पल देता हूं तो आपको ना एक में बाइक कार स्कूटी का एक कोई भी एक एग्जाम्पल एक ले लिया और उसी को एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के समान लिए अब क्या होगा यहां पे अगर मैं डिस्टरबेंस वगैरह अगर आपके पास इनपुट है डिस्टरबेंस इनपुट है यही सब को हम मैथमेटिकली डील करेंगे ये डिस्टर्बेंस अगर इनपुट है तो अब आपको पता है कि आपकी स्पीड फिक्स कर दी गई आपकी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती तो अब एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे हाईवे पे आप हो और आपकी स्पीड 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती आपके कार का फिक्स करके रखा गया है कि 90 से पापा बना के रख दिया कि भैया पहले से कार में जो स्पीड है पहले से वहाँ पे बोल दिए शोरूम में पहले से बोल दिया गया कि भाई 90 से ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए फिक्स हो गया अब आप कितना भी भगाओ नाइन्टी ज्यादा होगा नहीं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे कितना भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा आप हाईवे पे चल रहे हो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो गए। इसका क्लोज लू कंट्रोल सिस्टम में आपके पास जो आउटपुट जो एक्चुअल जो कंट्रोल्ड आउटपुट होगा वो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा ज्यादा रिलायबल होगा बहुत सारी बात करने के लिए अभी अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बात करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में ना कितनी भी देर बात कर सकते हो और कितना भी कंटेंट पे बात कर सकते हैं लेकिन वन बाय वन में आऊंगा तो अभी अपने को समझ आना चाहिए कि आपके डेली रूटीन से मैं ऐड किया कि आप कैसे एक ओपन लूप सिस्टम की बात कर रहे हो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कंट्रोल सिस्टम में आप इनपुट दे रहे हो मैनुअली इनपुट देते जा रहे हो स्पीड बढ़ते जा रही है इस द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्पीडोमीटर को देख रहे हैं या कार में आप फिक्स करके रख दिए उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोलिंग मैकेजम काम कर रहा है इस द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तो जस्ट बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए ओके तो दो एग्जाम्पल है यहां पर भी आप देख रहे होंगे बार बार यहां पर आ रहा होगा यहां पे दो जगह पे आपके पास हो रहा होगा दोनों चीज को आप नोट कर लिए होंगे ठीक है तो जस्ट मैं और भी और भी बात करता हूं कुछ और भी एग्जाम्पल लेता हूं बोला और भी एग्जाम्पल लेता हूं मजा आएगा आपको आपको जस्ट मैं एक्चुअली वो एग्जाम्पल लिया जिस एग्जाम्पल में आपको अच्छा फील हो आप कोई बोलेगा सर पीडी कोर्स में तो सर ये एग्जाम्पल नहीं लिए थे तो मैं वो तो मेरे मन पर डिपेंड करता हूँ मैं बोल चुका हूं कि मैं डे बाय डे अपने आप को बहुत इंप्रूव करता हूं डे बाय डे मैं अपने आप पे बहुत काम करते रहता हूं सोचते रहता हूं कि क्या चीजें एग्जांपल क्या लेना है क्या बात करना है करके तो कभी कभी एक दो एग्जाम्पल कभी कभी एक दो बातें अलग हो सकती है तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि सर पीडी कोर्स में तो ये एग्जाम्पल नहीं था इससे क्या फर्क पड़ता है ठीक है अगर आप पीडी कोर्स वाले हो जीडी कोर्स वाले हो और आप कंट्रोल सिस्टम पढ़े हो तो आप किसी से भी फाइट कर सकते हो ठीक है लेकिन अभी मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं तो एक दो एग्जाम्पल आपको ज्यादा देखने को मिल सकते इट्स ओके इसके लिए वरी करने की नीड नहीं है चलो मैं अब और भी बेसिक बात करता हूं आ बेटा यहां से हटान चालू करना जो ब्लैक्स लिखा था ब्लू को छोड़ देना ब्लैक से जितना लिखा था पूरा हटा दे कैमरा वही पे फोकस रखना ओके तो आप अपने ज़्यादा क्वेश्चन अभी सोचे ना बस धीरे 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 मेरे साथ नोट करते जाए हर एक चीज़ को मेरे साथ नोट करते जाएंगे बड़ा आपको अच्छा लगेगा आपको समझ आएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ साथ हम समझेंगे देखेंगे कंट्रोल सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इतने सारे चैप्टर्स क्यों पढ़ते हैं हर चैप्टर्स में क्या बात होती है कोई भी चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ उसके बिना कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा जा सकता है क्या सब एक एक स्टोरी एक, एक का फॉर्म होगा और जब स्टोरी का फॉर्म होगा तो बड़ा गुड होगा चलो ठीक है अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ uh, कोई क्वेश्चन करेगा कि सर एग्जांपल सर गेट में आएंगे नहीं गेट में मैथमेटिकल मॉडलिंग बड़ा स्ट्रांग होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथमेटिकल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता, होता है रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन इंडिया के डिफरेंट एग्जाम होते हैं मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वहां पे कुछ थियोरटिकल बात करना भी पसंद करते तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार हमको थियोटिकल बात नहीं आती आप मेरे स्टूडेंट हो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है चाहे आप इंटरव्यू में बैठे हो चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया इवन एशिया का एशिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कंट्रोल सिस्टम बनना चाहिए मतलब बनना चाहिए कोई कुछ भी पूछे आपके पास आंसर होना चाहिए इस चीज को ध्यान रखेंगे चलो मैं क्या लिखवा रहा हूं ध्यान देखना क्या लिखवा रहा एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल कीटर फैन विदाउट रेगुलेटर इज ए सिस्टम अगर रेगुलेटर ना हो तो एक सिस्टम है पता आपके पास फैन जो होगा विदाउट रेगुलेटर सिस्टम फैन विथ रेगुलेटर फैन विथ रेगुलेटर अगर रेगुलेटर है इजन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्यों भाई रेगुलेटर है तो फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इसलिए आपके पास इसलिए क्योंकि अगर आपके पास रेगुलेटर है तो रेगुलेटर से स्पीड वन कर सकते टू कर सकते थ्री कर सकते मैनुअली ऑपरेट करोगे वन करेंगे टू करेंगे स्पीड बढ़ते जाएगी थ्री करेंगे स्पीड बढ़ते जाएगी फोर करेंगे स्पीड और बढ़ते जाएगी और अगर रेगुलेटर नहीं है तो एक सिस्टम है आपके पास एक बार आप वन पे रखा है स्विच ऑन किया है सिंपल सिस्टम है कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ही नहीं है आप कंट्रोल नहीं कर सकते टू से वन नहीं कर सकते टू से थ्री नहीं कर सकते तो अगर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है तो एक सिस्टम है आप स्विच ऑन किए पहले से थ्री पे था सपोज करो आपका स्विच पहले से थ्री था आप स्विच ऑन किए ऑन हो गया भाई थ्री पे चलते रहेगा स्विच ऑफ किए ऑफ हो जाएगा तो तो बेसिकली एक सिस्टम हुआ फैन विदाउट रेगुलेटर रेगुलेटर अगर नहीं तो कंट्रोलिंग आपके पास कंट्रोलिंग आपके पास पावर नहीं है क्योंकि थ्री में पहले से है सेट और आप स्विच ऑन करोगे फैन ऑन थ्री के साथ स्विच ऑफ करोगे फैन ऑफ इसका था विदाउट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एक सिस्टम के समान बिहेव कर रहा है बट अगर आपके पास रेगुलेटर है तो मैनुअली ऑपरेट कर रहे हो भाई अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको ठंड लग रही है और उसकी जो स्पीड है आपके पास वो अपने आप कम हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि सेंसर्स का तो कुछ है नहीं इसमें लेना देना तो इसकी जो स्पीड इस है उसको वो उसका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो स्पीड पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि ज्यादा स्पीड हो रही तो आपके पास रेगुलेटर अपने आप ही कम हो जाए चार से तीन हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जो ए होता है आपके पास एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर इज ए क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम एयर कंडीशनर इज ए क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम इसमें सेंसर्स लगे होते हैं सेंसर्स लगे होते भाई एयर कंडीशनर में एयर कंडीशनर में सेंसर्स लगे होते इसलिए फैन का कॉस्ट बहुत हजार दो हजार बहुत अच्छा कुछ डिजाइनिंग वाले ले लोगे तो ढाई तीन हजार का आ जाएगा नहीं तो आठ सौ हजार रुपए में फैन आ जाता है रेगुलेटर की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती तो बड़ा कोई भी ले सकता है मतलब इसकी कॉस्ट ज्यादा है ही नहीं लेकिन एयर कंडीशनर सब यूज नहीं करते क्योंकि एयर कंडीशनर फिर टेपरेचर के अकॉर्डिंग होगा आपके पास में जो कंट्रोलिंग यूनिट लगी हुई है वो डिपेंड करेगा आपके पास कंट्रोलिंग जो यूनिट लगी हुई है वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए आप आप उसमें आप उसमें सेट कर सकते हो अलार्म लगा सकते हो आपको लगेगा कितनी स्पीड के बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा तो अपने आप ऑफ हो जाएगा इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है पूरा का पूरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जहां पर भी सेंसर्स होते हैं ना जहां पर भी सेंसर्स लगे होते हैं जहां पे ऑटोमेटिकली चीजें हो सकती है सब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है पता है फेन विध रेगुलेटर कौन सा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा अपने आप तो कुछ होने वाला नहीं लेकिन उसमें अपने आप हो सकता है आप टाइमर लगा दो अपने आप आपके पास हो जाएगा टाइमर से आप ऑन कर सकते हो घर में कार में बैठे बैठे आप अपने एसी को ऑन कर सकते हो पता है ना आपके पास एयर कंडीशनर आज के जमाने में तो इतना ऑटोमेटेड हो गया घर में बैठे बैठे आप घर पहुंचने से पहले एसी को ऑन कर सकते हो ये आप, आपको आपको पता है इतना सारा टीवी में आप ऐड देखते रहते हो तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाती किसी सिस्टम की तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं और उसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं तो एयर कंडीशनर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है अगर मैं फोर्थ बात करूं नॉर्मल आयरन बॉक्स नॉर्मल आयरन बॉक्स इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम नॉर्मल आयरन बॉक्स इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ठीक है आपको पता है कि नॉर्मल जो आयरन बॉक्स आप बात करते हो इन जनरल जो आयरन आप यूज करते हो आयरन बॉक्स जो यूज करते हो इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है आपके पास उसमें रहता है आपके पास Uh, uh, रहता है वन टू आपके पास ऑन ऑफ और उसमें और भी और भी और भी ऑप्शंस रहते हैं आपके पास कि जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑप्शंस रहते हैं तो नॉर्मल आयरन बॉक्स एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जितने भी मैन्युअली ऑपरेटेड सिस्टम होते हैं ना जितने भी मैन्युअली ऑपरेटेड सिस्टम होते और कंट्रोलिंग मैकेजम इन्वॉल्व नॉर्मल आयरन बॉक्स जो आप इन जनरल यूज़ करते हो एकदम ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स की बात करोगे तो फिर उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा अब ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स है ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स अगर मैं बात करूँ तो फिर तो आप पता ही है कि उसका टेम्परेचर इज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तो क्या होगा ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स होगा तो उसका टेम्परेचर अगर आपके पास डिजायर टेम्परेचर से कम होगा आपके पास डिजायर टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो उसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है ना वो अपने आप उसका अपने आप उसका टेम्परेचर कम कर देगा नहीं तो आपके पास पता एक नॉर्मल आयरन बॉक्स होगा नॉर्मल आयरन बॉक्स होगा तो पता चला कपड़ा एकदम जल गया टेम्परेचर बढ़ रहा था आपके पास बढ़ा है और वो बढ़ते 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 आप उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते थे पता चला भूल गए कोई किसी का कॉल आया गए और नॉर्मल आयरन बॉक्स में तो निपट गया तो मैं बोल रहा हूं कि ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स जो होगा आपके पास वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स तो जो इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स में आपकी तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है तो जितने भी आपके पास सेंसर लगे होते हैं ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स मतलब क्या है वो अपने आप जो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको कैसे अपने पास जो हीट वाला जो पार्ट होता है हीट अगर ज्यादा हो रहा है आपके पास तो कम कर देता तो उसमें लगे रहते हैं कंट्रोलिंग मैकेनिजम रहता है जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम होगा कंट्रोलिंग मैकेजम इन्वॉल्व होगा वो एक क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम होगा जो अपने आप सेंस सेंसर्स लगे होंगे अपने आप जो आउटपुट के अकॉर्डिंग देखेगा उसको पता है कि डिजायर्ड टेम्परेचर से ज्यादा हो रहा है अपने आप कम कर देगा यस सिक्स पॉइंट अगर मैं बात करूं सिक्स पॉइंट बात करू इलेक्ट्रिक लिफ्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक लिफ्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट लिफ्टन सिस्टम क्योंकि मैनुअली मैनुअली ऑपरेटेड ऑपरेटेड होता होता है 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 भाई आपको number, आपको वन अगर जाना फ्लोर की बिल्डिंग है तो वन अगर दबाओगे तो वन पे जाएगा टू दबाओगे तो टू पे जाएगा थ्री दबाओगे हाँ किसी जगह पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट अगर सऊदी अरब वगैरह पे कुछ कुछ जगह पे ऐसी इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी लगे सब जगह सेंसर लगे रहते हैं आप बोले वन वन पे पहुंच गए टू टू पे पहुंच गया तो वो है आपके पास जब उसको लगता है आपके पास कि कहीं पे अगर कहीं पे अगर आ, कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वो पहले से ही पूरे सेंसर्स लगे रहते हैं कि प्रॉब्लम वॉब्लम आपको बता दो वो बहुत ही ऑटोमेटेड है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है एक बेसिक जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है किसी भी बिल्डिंग uh, में लगी होती है या किसी भी कॉलोनी में किसी भी जगह पर लगे होती है डिफरेंट जगह वो एक नॉर्मल सी एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है अच्छी खासी उसकी भी कॉस्ट होती है लेकिन एकदम ही ऑटोमेटिक अगर इलेक्ट्रिक लिफ्ट की बात करें तो उसकी कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा होगी इन जनरल आप कोई आप कोई देखा भी नहीं होगा किसी भी मॉल वगैरह में जब देखते हो किसी भी मॉल में आप देखे होंगे तो इंडिया के किसी भी मॉल पर मैंने देखा कि एकदम ऑटोमेटेड कोई कोई अगर लिफ्ट होगी कोई भी मैं देखा नहीं मैं आज तक जितनी भी लिफ्ट देखा हूँ सब इलेक्ट्रिक लिफ्ट देखा हूँ ठीक है तो कुछ बहुत एडवांस जो कंट्रीज है वहां पे कुछ जगह पे आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लिफ्ट देख सकती है तो इन जनरल जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है वो एक ओपन लिप कंट्रोल सिस्टम है मैन्युअली ऑपरेट करते भाई बड़ा इजीली रहता है भाई ऐसा नहीं होता आपके पास कि पूरा आप इलेक्ट्रिक लिफ्ट में घुसे हो पूरा सेंसर्स लगा हुआ है फिर वो बोला कि आप मूवी वगैरह नहीं दिखाते आप कहां जाना चाहते हो बोले मैं हंड्रेड फ्लोर पे जाना चाहता हूं वो सीधे हंड्रेड फ्लोर पे पहुंच गया मूवी वगैरह हम देखते हो वो एकदम ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है कंट्रोल सिस्टम ठीक है तो इलेक्ट्रिक लिफ्ट इज एन ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम क्योंकि मैनुअली ऑपरेटेड मैनुअली ऑपरेटेड ठीक है तो पूरे पॉइंट्स आप नोट करते जा रहे होंगे ऐसे ही पढ़ना चाहिए किसी सब्जेक्ट की फीलिंग वाइज पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ा क्या रहे हैं हमको पता रहना चाहिए तो इलेक्ट्रिक लिफ्ट इज एन ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम सेवन पॉइंट लिख सकते हैं सेवन पॉइंट अगर आप इतना नोट करते हैं सेवन पॉइंट लिख सकते हैं इन इंडिया इन इंडिया ट्राफिक ट्रैफिक लाइट सिग्नल इन इंडिया ट्रैफिक लाइट सिग्नल ज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया ट्रैफिक लाइट सिग्नल इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्यों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सब मैनुअली ऑपरेटेड है एक बार हम सेट कर दिए कि भैया टेन 10 ट्वेंटी ट्वेंटी सेकंड के लिए ग्रीन होगा रेड होगा ग्रीन होगा रेड होगा अब वो मैनुअली ऑपरेटेड है अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेंस कर ले ऐसा हो नहीं सकता कि वो सेंस कर ले सेंस कर ले मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो पब्लिक का क्राउड देख के वो अपना जो वो ग्रीन और जो रेड वाला है जो सिग्नल चेंज कर ले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इतना इतना कॉस्टली सिस्टम इंडिया में डिजाइन नहीं किया जा सकता इतना हर जगह 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 पे तो तो स्क्वायर बने हुए हैं बेसिक हमारा जो सिस्टम है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ट्रैफिक लाइट सिग्नल सिस्टम है वो 20 सेकंड्स के लिए अगर ग्रीन और 20 सेकंड के लिए अगर वो रेड होना है तो कोई मतलब नहीं कि, कि किस जगह पर ट्राफिक है किस जगह पर खाली है कोई मतलब नहीं भी आप वेट करते रहो अब उस ग्रीन के बाद वो आ, रेड होगा या फिर किसी को हमको रखना पड़ेगा किसी को मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा कि जो ऑपरेट करे कि हाँ भाई ये अब यहां पे थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज की पॉसिबिलिटी है जो मैन्युअली ऑपरेट करेगा अदरवाइज एक बार अगर वहां पे कोई नहीं है तो एक बार वो ट्वेंटी थर्टी सेकंड सेट हो गया तो अब थर्टी सेकंड रेड थर्टी सेकंड ग्रीन थर्टी सेकंड रेड चलते रहेगा जो बहुत एडवांस कंट्री रहती है अगर आप कंट्रोल सिस्टम की कुछ एडवांस बुक पढ़ोगे अब अब कोई अगर अब कोई अगर अपने लाइफ में हमेशा ऐसा सिस्टम देखा है जहां पे उसको लगता है कि आ, नेक्स्ट जो एग्जांपल क्या था ट्रैफिक लाइट सिग्नल तो ट्रैफिक लाइट सिग्नल कुछ बुक में ना क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लिखा लेकिन वो सब बुक ना फॉरेन ऑथर की बुक है अब कोई जिंदगी में हमेशा न्यूयॉर्क निवार, सिटी में रहा है वॉशिंगटन में रहा है तो वहां पे जो ऑटोमेटेड सिस्टम रहते ना उनके ट्राफिक लाइट सिग्नल जो है वो बहुत बहुत, बहुत पॉपुलेशन तो होती नहीं बहुत ज्यादा जो एडवांस कंट्री रहती डेवलप कंट्री रहती है वहां पर ट्राफिक लाइट सिग्नल कुछ एडवांस कंट्री में क्या रहता है क्लोज लूप सिस्टम रहता है इसका मतलब है कि वो एकदम ऑटोमेटेड रहता है वो पूरा सेंसर्स लगे होते वो देखता है कि पे कितनी क्राउड है क्राउड के अकॉर्डिंग ना वो चेंज होते जाता है इतना इंडिया

वहां पे तो मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम पे बिलीव ही नहीं करते वो लोग तो हमेशा ऑटोमेटेड सिस्टम में जाते आप सऊदी अरब के कुछ एडवांस जगह पे तो आपको हमेशा एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल एक क्लोज लुक कंट्रोल सिस्टम दिखेगा बट हम तो इंडिया में हम तो इंडिया में हैं और अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसलिए क्या लिखा है इन इंडिया ट्रैफिक लाइट सिग्नल इज एन ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम यस ठीक है सेवन पॉइंट हुआ एट पॉइंट लिखवा देता हूं एट पॉइंट एट पॉइंट इन इंडिया इंडिया in की बात करते हैं इसे की बात करना भी चलेगा लेकिन इन इंडिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन इंडिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया ऑटोमेटिक इन इंडिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन ओपन लुक कंट्रोल सिस्टम कोई बोलेगा सर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो सर वो तो क्लोज लूप होना चाहिए ना सर ऑटोमेटेड है हम जितना भी हम यूज़ करते हैं सुनना इन इंडिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अब ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों रहता पहले वॉशिंग मशीन बोलते थे सर वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन फीमेल लोग ज्यादा समझते गर्ल्स लोग ज्यादा समझते होंगे बॉयस लोग तो कपड़े धोते नहीं होंगे वॉशिंग मशीन में गर्ल्स लोग भी नहीं धोते होंगे मम्मी पापा मम्मी लोग करते होंगे सब कुछ तो पहले वॉशिंग मशीन आती थी फिर क्या किया उसको एडवांस बोलने के लिए ना ऑटोमेटिक टर्म यूज किया कि अब थोड़ा सा एडवांस आ रहा है कपड़े थोड़े से उसमें ड्राई हो जाते हैं लेकिन वो अभी भी ना वो ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन नहीं है ऑटोमेटेड एक्चुअली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन क्या होती पता है अगर आप अपना शर्ट में डाल रहा हूं तो इस शर्ट में ना ऑटोमेटिक अगर वॉशिंग मशीन रहेगी ना तो शर्ट में ना जो वाटर का कंजम्पशन होगा वो उस, उस बेसिस पे होगा उसका कि अगर ये डर्टी पार्ट है वो यही पे कहीं पे दाग लगा है तो इस जगह पे वाटर के वाटर का जो कंजम्पन होगा वो इस जगह के लिए ज्यादा होगा और बाकी जगह के लिए बिल्कुल कम होगा क्योंकि बाकी जगह पे डर्टी एरिया नहीं है तो हमारे इंडिया में पानी की कोई कमी नहीं है भाई हमारे इंडिया में पानी तो इतना फ्री है ना पानी की कोई कमी है क्या अपने इंडिया में तो हम हम इंडियन लोग वॉशिंग मशीन वो ऑटोमेटेड वाला यूज़ नहीं कर सकते वो पता है सबसे बेस्ट ऑटोमेटेड जो वॉशिंग मशीन होता है वो सऊदी अरब वगैरह में होता है नॉर्मली ऐसी कंट्री में होता है जहां पर वाटर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है जहां पर ऑयल की कॉस्ट कम होती है वाटर के लिए लोग मरते हैं अपने इंडिया में तो फ्री यार कभी पानी के लिए कोई मर गया ऐसा बहुत कम होता है अलग बात है एकदम इंटीरियर गाँव वाव की अलग बात करें कभी कभी गर्मी वगैरह में वो एक अलग बात है इन जनरल तो वाटर मिलता है ना यार इन जनरल तो वाटर मिलता है तो हमारा जो वॉशिंग मशीन होता है वो कितना है सैमसंग का अच्छा एडवांस वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन ले जाओगे तो 20, 20, 22, का मिलेगा इन जनरल एक जाओगे तो 10, 11, का वॉशिंग मशीन मिलेगा अब वो वॉशिंग मशीन अगर तीन लाख का आएगा तो समझ रहे ना? हमारे घर में मम, जो मम्मी लोग रहती है सिस्टर लोग रहती है वो बोलेंगे भाई तीन लाख में तो घर का आधा सामान आ जाएगा थोड़ी इतना वॉशिंग मशीन वो एडवांस वाला वॉशिंग मशीन लेंगे और हमारे इंडिया में तो लोग एक एक घंटे तक नहाते हैं पानी की तो कमी नहीं है कौन पानी सोच के कोई करता है क्या पानी की कोई कॉस्ट है क्या लोग एक एक घंटे तक नहाते जानते हो आप तो एकदम ऑटोमेटेड जो वॉशिंग मशीन होता है वो वो पानी जो वाटर का कंजम्पशन होता है वो डर्टी एरिया के अकॉर्डिंग लेता है क्योंकि उसमें वाटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वैसे जो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं कि डर्टी एरिया वाला जो पार्ट रहता है उसमें सेंसर लगे होते हैं वाटर का, का कंजम्पशन इतना एडवांस वो कंट्रोल सिस्टम होता है इतना एडवांस उसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी तो सऊदी अरब वगैरह में आज ऐसी कंट्री जहां पर वाटर की जो डिमांड है वो ज्यादा है वाटर चाहिए लोगों को तो वैसी कंट्री में उस टाइप की चीजें तीन लाख का भी उनको बहुत सस्ता लगता है कि थ्री लाख फोर लाख का है तो चलेगा लेकिन अपने यहां पे तो

हमको जस्ट पता होना चाहिए क्यों इतने सारे एग्जाम्पल अब गेट वाले तो पूछेंगे नहीं नहीं गेट वाले नहीं पूछेंगे लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मैं अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप आप अपने आप को ना मेरे को सौंप दो आप अगर से कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो पूरे तरीके से मेरे को सौंप दो आप बस मेरी बात सुनोगे आराम से पूरे पॉइंट्स नोट करोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ना पावरफुल बनते जा रहे हो मैं आपको ना पावरफुल बना दूंगा आपको बहुत सारी जो बोलते हैं ना शक्तियां वगैरह देना भगवान ऊपर से आया वरदान वगैरह दे दिया तो मैं आपको बहुत सारी शक्तियां दे दूंगा और आप ना अपने आप बिना कुछ किए आप ना पावरफुल फील करोगे अपने आप पावरफुल फील आपको कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना आपको बस मेरी बात सुनना है एकदम ध्यान से बात सुनना है कुछ मिस नहीं करना है पूरे पॉइंट्स नोट करना है आपके पास जो कंट्रोल सिस्टम के नोट्स बनेंगे वो समझ नो वो वो गीता होगी बाइबल होगी वो आपके टेक्निकल कंट्रोल सिस्टम की यस तो जस्ट मैं कुछ कुछ बेसिक बताया बेसिक बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या होता है एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको की पॉइंट लिखना है लास्ट में एट एट एग्जाम्पल दिया की पॉइंट लिखना है तो की पॉइंट क्या लिख सकते हो बताओ आपके पास की पॉइंट ऑल डिवाइसेस हैविंग सेंसर ऑल हैविंग सेंसर्स पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऑल डिवाइस ऑल डिवाइसुप कंट्रोल सिस्टम नॉर्मली जितने भी डिवाइस में सेंसर्स लगे होते हैं वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है वो कॉम्पैक्ट होते ज्यादा रिलायबल होते हैं और क्यों ना हो क्यों ना हो भाई इतना कॉस्ट देके हम एक सिस्टम बना रहे हैं अभी बहुत मजेदार बात करूंगा मैं ना कंसेप्चुअल चीजों को मैथमेटिकली भी ऐड करूंगा मैथमेटिकल चीजों के साथ ऐड करूंगा बड़ा मजा आएगा धीरे धीरे समझने के लिए इसलिए बोला कि आप पूरे तरीके से मेरे पे छोड़ दो पूरे तरीके से मेरे पे छोड़ दो ना ठीक है ओके चलो आप मंदिर जाते हो ना जो लोग भगवान को मानते हैं मंदिर जाते हो तो अपने आप को पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे तो वैसे ही कंट्रोल सिस्टम में मेरे भरोसे छोड़ दो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है आपके पास पूरे आंसर होंगे किसी के भी क्वेश्चन के चलो ओके चलो ओके तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल दिया मैं एक ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम का तो अभी आपको समझ आया कि भाई सिस्टम जो होता है इन जनरल एक बेसिक जो सिस्टम होता है वो सिंपल इनपुट दो और एक आपको आउटपुट मिल जाएगा द प्रॉपर आउटपुट नॉर्मली आप सिग्नल सिस्टम में जो सिस्टम की बात करते हैं अगर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है द कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं आउटपुट से कि आउटपुट आपके पास क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट होता है और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म

ओके, okay. उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी जहां जहां पे भी सेंसर्स लगे होंगे जहां जहां पे भी ज्यादा चीजें ऑटोमेटेड होगी जहां जहां पे भी ज्यादा चीजें ऑटोमेटेड होगी जहां जहां पे भी मैन्युअली ऑपरेटेड होगा उसकी कॉस्ट कम होगी मैन्युअली ऑपरेटेड चीजों की कॉस्ट कम होती है हर जगह चलो ठीक है तो, तो जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया फिर ठीक है आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यूट्यूब वाले में से बात नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उनके कमेंट्स ऑफ हैं तो कभी कभी तो ये मजा भी लो कि आपके कमेंट्स ऑफ है और आप सिर्फ मेरी बात सुनोगे आप कुछ कमेंट्स नहीं कर पाओगे कुछ कमेंट्स नहीं कर पाओगे ठीक है इसको हटा रहा हूं ये मेरा टॉपिक वन था ओपन लुप क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम बट मैं सिस्टम से स्टार्ट किया ओपन लुप कंट्रोल सिस्टम अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि सिस्टम क्या है ओपन लुप कंट्रोल सिस्टम क्या है क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम क्या आप किसी को भी इस बात को आराम से बता सकते हो यस yes! अब मैं टॉपिक नंबर टू पे आने वाला हूं टॉपिक नंबर टू पे आने वाला हूं ठीक है देखना अब इसको पूरा हटा देता हूँ तो टॉपिक टू स्टार्ट करूंगा तो जस्ट ये इसको छोड़ देना इसको छोड़ देना ये वन और टू बाकी पूरा हटा दो ठीक है हटा दो इसको ठीक है, फिर मैं आप लोग कमेंट्स ऑन करूंगा, करूंगा आप, आप, आप से, आप से, आप से बिलीव करो ना कभी तो ऐसा हो कि सिर्फ पढ़ रहे पढ़ रहे करके, कभी तो मजा लो पढ़ने का सिर्फ कभी कभी सिर्फ मेरी बात सुनो सुनते रहो मेरी बात को है ना कम्युनिकेशन कभी कभी ना सिंगल कम्युनिकेशन मतलब यूनिडाशनल कम्युनिकेशन का भी मजा लो ठीक है ओके okay. uh, है? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं अब मेरा कॉफी टी सब मेरा ऑफ हो चुका है मेरी जिंदगी से सब बंद है अभी ठीक है ओके अब ना टॉपिक नंबर टू के बारे में आ रहा हूं मैं टॉपिक टू पे आ रहा हूं ना टॉपिक टू पे आज का टॉपिक टू टॉपिक टू क्या आपके पास पता है टॉपिक टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम अब यह मैं बोल सकता हूं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम बोलने के लिए बहुत सारी बात की जा सकती है मैं लिखा टॉपिक नंबर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम ठीक है या मैं बोल सकता हूं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग करूंगा रिप्रेजेंटेशन करूंगा ठीक है देखते रहना तो जस्ट बेसिक लिखे अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ठीक है भाई ओके अब अब क्या है कि ये कंप्रेटर या एडर है ये जीसीएस लगा दिया हमें ये जीपीएस लगा दिया एच ऑफ एस, एस, एस लगा दिया ठीक है ये सी ऑफ ओके। ये आर ऑफ एस लगा दिया ठीक है ये डी ऑफ एस लगा दिया ये वी एफ एस लगा दिया ठीक एक ब्लॉक डायग्राम बनाया मैं, ब्लॉक डायग्राम देखो ध्यान से अब क्या आपके पास ये हमारा रेफरेंस इनपुट है आर फॉर द रेफरेंस द रेफरेंस इनपुट आर फॉर द रेफरेंस सी फॉर द कंट्रोल्ड आउटपुट कंट्रोल्ड आउटपुट सी फॉर द कंट्रोल्ड टू सी ऑफिस द टर्मोलॉजी ये आपके पास फीडबैक सिग्नल है फीडबैक इनपुट या फीडबैक सिग्नल ये डिफरेंस डिफरेंस सिग्नल यह आपके पास जो दिख रहा है आपके पास ये जी सी फॉर द कंट्रोलर तो कंट्रोलर गेन है कंट्रोलर गेन ये प्लांट गेन लिख लेते प्लांट गेन या सिस्टम गेन प्लांट गेन यह आपके पास फीडबैक पाथ गेन है द फीडबैक पाथ फीडबैक पाथ गेन

द कंट्रोलर गेन इज द प्लांट गेन एक सिस्टम है आपके पास कोई भी प्लांट का गेन एक सिस्टम गेन है कंट्रोल आउटपुट इज द रेफरेंस इनपुट इज द फीडबैक सिग्नल द डिफरेंस सिग्नल डिफरेंस इज ऑलवेज यूज फॉर द एडिशन एज वेल एज द एज वेल एज फॉर सब्टशन और ये आपके पास फीडबैक पाथ गेन लिखा हुआ है फीडबैक पाथ गेन ओके अब क्या होता है आपके पास कि अभी जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं आप देखिए बारह चैप्टर में डिवाइड किया था हमें तो अभी ना हमको ये कंट्रोलर की बात नहीं करना होता है अभी हम इन दोनों को मिला के ना पूरा फॉरवर्ड पाथ गेन लिख देते हैं इन दोनों को मिला के एक फॉरवर्ड पाथ गेन लिख देते हैं कंट्रोलर की बात नहीं करना होता है एक पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रोलर पे बेस्ड है लास्ट चैप्टर पता है जब मैं कंट्रोलर पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा कि कंट्रोलर क्या क्या करता है फिर जब मैं लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा कंट्रोल सिस्टम जिस दिन मैं एंड करूंगा ना तो आपको पूरी स्टोरी कनेक्ट करूंगा आपको बड़ा मजा आएगा लास्ट दिन लास्ट दिन एकदम आप लव यू लव यू करके लिखोगे लास्ट दिन लास्ट मिनट जब मैं बोलूंगा कि बाय बाय कंट्रोल सिस्टम एंड उस दिन तो कंट्रोलर हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर ट्वेल्व रहेगा तो अभी हमको जरूरत नहीं है बाकी जगह यूज होते रहेगा लेकिन अभी हम कंट्रोलर पे बात नहीं कर रहे हैं प्लान गेन है तो हम क्या करते है? पता है आपके पास क्या करने वाले इस ब्लॉक डायग्राम को बाजू में बना देता हूं और क्या करते हैं हम लोग बाजू में तो इन जनरल कंट्रोलर रहता है लेकिन हम बार बार मैथामेटिकल मॉडलिंग में बात नहीं करते चलो ये प्लस माइनस है कंपरेटर है या एडर बोल सकता हूं हम डायरेक्ट ना जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर देते भाई जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर देते ये ये जी ऑफ एस को बोल देते कि ये फॉरवर्ड पाथ गेन है द फॉरवर्ड पाथ गेन फॉरवर्ड पाथ गेन ठीक है भाई ये और ये आपके पास फीडबैक पाथ गेन एच फीडबैक पाथ गेन ओके एरो अच्छे से बनाना है अपने को ये आपके पास कंट्रोल्ड आउटपुट है कंट्रोल्ड आउटपुट ये सी एस आप देख रहे होंगे कि में को मेरे को बड़ा मजा आ रहा है मेरे को बड़ा मजा आ रहा है क्यों बस कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो आ, मैं, आप देख पा रहे होंगे एक इंटरनल स्माइल होती है ना आपके पास आप अच्छा फील कर रहे हो एकदम वाला फील आ, कुछ लोग देख पा रहे होंगे कि आ, 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 इन जनरल मैं फिट नहीं हूं अभी फिजिकल फिट नहीं हूं लेकिन इन जनरल देख रहे होंगे कि मैं इंटरनली हैप्पी हूं बात करते हुए तो मेरे पास बहुत बात करने के लिए मजा आएगा आपको सुनते रहना आप, आप मेरा हैप्पीनेस फील करोगे तो फॉरवर्ड पाथ गेन है अभी ये जो जियोप है पता है आपके पास इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है ये आपके पास कंट्रोलर और नॉर्मल जो प्लांट गेन था उनका प्रोडक्ट है सीरीज सीरीज में 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 ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम में दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई होते हैं दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई होते मान लिए पता है तो ओके बहुत सिंपल है पता है तो ओके नहीं पता है तो भाई मल्टीप्लाई हो गए आजू बाजू में लगे थे मल्टीप्लाई हो गए जब मैं ब्लॉक डायग्राम पढ़ाऊंगा तब देखेंगे सेकंड चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सिंपल है अभी मान लेते हैं कि देखो फॉरवर्ड पाथ गेन गें जियो है दोनों का प्रोडक्ट हटा दिए भाई दोनों ब्लॉक को हटा दिए

अब 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 ये और आपको एक और चीज़ बताता हूं पता है मेरे जो ऐप वाले जो लोग हैं ना जो ऐप वाले जो लोग हैं वो इतने प्यारे लोग हैं मतलब मैं बहुत प्यार करता हूं इन लोगों से आपसे भी प्यार करता हूं जितने YouTube फैमिली वाले लोग हैं एक मिनट नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके नहीं 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 इट्स ओके वो एकदम से हुआ होगा ठीक है इट्स ओके इट्स ओके शेयर की ज़रूरत नहीं है शेयर की जरूरत नहीं है इट्स ओके okay. मैं मैनेज कर लूंगा मैनेज कर लूँगा मैनेज कर लूँगा ठीक, ठीक है ठीक है थोड़ा थोड़ा होता रहेगा इट्स ओके हाँ मैं कुछ बता रहा था आपको कि क्या बता रहा था मैं आप लोग को हमारे हाँ, ऐप वाले लोग इतने मस्त है बोला कि आप लोगों को मैं पूरा टॉपिक जैसे पढ़ा भी देता हूँ जैसे पहला चैप्टर पूरा पढ़ा देता हूँ तो कोई भी मेरे मैं को मैसेज नहीं करता है या कभी कोई नहीं बोलता है कि सर हम तो मनी दे के पढ़ रहे हैं सर तो आप सर यूट्यूब में सर ये क्यों पढ़ा रहे ऐसा ऐसा कोई नहीं बोलता है तो मेरे को मेरे को बहुत प्यार है इन लोगों से तो ये लोग कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करते नहीं तो इन जनरल हम बचपन में पढ़ते थे तो अगर इस टाइप की सिचुएशन रहती तो लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं ना कि सर हम पैसा दे पढ़ रहे हैं आप हम आप इतना भी क्यों पढ़ाओगे सर हमारे लाइव में से इतना भी क्यों किसी को दोगे सर ये तो हमारा पूरा हक है इस पर तो लव यू लव यू लव यू ऑल जितने भी ऐप वाले लोग हैं लव यू ठीक है आप बहुत मस्त लोग पूरे के पूरे बहुत मस्त लोग मेरे पास ये ब्लॉक डायग्राम था ये मेरे पास ब्लॉक डायग्राम था ठीक है थोड़ा बहुत होते रहेगा मेरे को तो ये ब्लॉक डायग्राम था एक एडर है एक रेफरेंस इनपुट है अब देखो आपके पास क्या है अब मेरे को ना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है सी अपॉन आर फाइंड आउट करना क्या फाइंड आउट करना इस क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना इसका मतलब है ये क्लोज लूप सिस्टम है द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ठीक है अब मैं अगर मैं बोलूं कि मेरे को भाई सीएलटीएफ लिखना है द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस लिखना है और इसकी वैल्यू क्या होगी इज द आउटपुट सी ऑफ एस कंट्रोल आउटपुट डिवाइड बाई रेफरेंस इनपुट ये मेरे को फाइंड आउट करना है क्या टर्मोलॉजी बोला क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बोला क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन द सीएलटीएफ

इस ब्लॉक में जी ऑप एस की वैल्यू क्या होगी अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो मैं लिखता हूं मैं पेन चेंज करता हूं जी ऑप एस की वैल्यू लिखता हूं ठीक है ध्यान दिखते रहना बोला तो जी ऑप एस की वैल्यू अगर को लिखना है सपोज करो जी ऑप एस की वैल्यू लिखना है कि जी ऑप एस की वैल्यू क्या होगी तो जी ऑप एस का आउटपुट क्या पता है जी का आउटपुट क्या है सी जी का इनपुट क्या जी का इनपुट डी ऑप एस ये क्वेश्चन नंबर वन हुआ अगर मैं बोलूं कि देखो यार ये जो जी लगा हुआ है यहां पर इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो जी लगा है इसका इनपुट क्या है इसका इनपुट तो डी है ना यार इसका इनपुट डी है और इसका आउटपुट क्या है सी है इस जी के लिए आउटपुट ये है तो किसी भी ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन उसके आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है तो इसका जी का आउटपुट है सी ऑफ एस और इसका इनपुट है डी ऑफ एस जो आप दोगे वो इनपुट होगा किसी ब्लॉक में जो दोगे वो इनपुट होगा और जो आउटपुट बाहर निकलेगा वो आउटपुट होगा आउटपुट अपन इनपुट ठीक है भाई इक्वेशन नंबर वन हो गया ठीक है मैं बोल रहा हूं कि एच ऑफ एस क्या है सर, आप बोलोगे सर एच ऑप एस क्या है फीडबैक बात गेन क्या है तो सर इसका आउटपुट क्या? आउट क्या है इसका आउटपुट वी एफ एस है उसका इनपुट क्या है सी ऑप एस है इसका इनपुट सी ऑफ एस है इक्वेशन नंबर टू कैसे है आपके पास सर ये देखो ना सर एच ऑप एस था एच ऑप एस था सर ये इनपुट है इसके लिए इनपुट मतलब सी ऑफ एस जो है सर ये इनपुट है इसका इसका आउटपुट क्या है सर इसका आउटपुट तो सर जो मिल रहा है वही तो आउटपुट होगा इसका तो इस एच ऑफ एस के लिए सर ये इनपुट ही आउटपुट है सर ठीक है चलो इस जी के लिए आउटपुट क्या था सर इस जी के लिए आउटपुट सी था और इस जी के लिए इनपुट जो था वो डी था सर तो दो इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ये ब्लॉक डायग्राम बना दिया बेसिक ये ब्लॉक डायग्राम बना दिया मतलब जो हम दे रहे किसी ब्लॉक में वो इनपुट है और जो ब्लॉक से निकल रहा है वो आउटपुट है इज वेरी सिंपल यार कोई फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लॉक से बाहर निकलने वाला आउटपुट और ब्लॉक में जो हम दे रहे वो इनपुट इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू यस कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके अब अगर मैं बोलूं कि उस फिगर को दिखाना वो फिगर दिख रहा है क्या अपने को अगर मैं बोलूं कि उस फिगर में डी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी उस फिगर में कैमरा अगर यहाँ पे घुमा रहे इस फिगर में डी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी डी ऑफ एस की वैल्यू तो ये आर ऑफ एस इनपुट है और ये प्लस माइनस में वी एफ एस है फीडबैक सिग्नल जो है वो प्लस माइनस में और आर ऑफ एस ये प्लस में कनेक्टेड है।, तो है तो डिफरेंस सिग्नल क्या होगा आर प्लस में और वी एफ एस प्लस माइनस में है यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि यहाँ पे जो एडर का आउटपुट है वो आर ऑफ एस है प्लस माइनस वी एफ एस है प्लस माइनस वी एफ एस आर ऑफ एस प्लस माइनस वी एफ एस ओके चलो अब मैं बोल रहा हूं कि चलो डिफरेंस सिग्नल्स क्या है आपके पास डिफरेंस सिग्नल यहां देखना कैमरा यहां पे आया आर ऑफ एस एक एडर का इनपुट था प्लस माइनस वी एफ एस था पता आपको प्लस माइनस क्योंकि एडर का एक इनपुट ये था और ये दूसरा था तीन इक्वेशन की हेल्प से हम हमको जो निकालना है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग थ्री इक्वेशन सही बाय यूजिंग थ्री इक्वेशन निकाल लेंगे अपन निकाल लेंगे निकाल लेंगे ठीक है कैसे अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे कैसे लिखना जा रहा हूं one, two, three लिखा अब मैं कैसे लिखूंगा ध्यान यही पे कैमरा यही पे लगा हुआ है फ्रॉम फ्रॉम अगर मैं one से बोल रहा हूं तो बताओ कंट्रोल आउटपुट सी ऑफ एस की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे सर जी ऑफ एस और डिफरेंस सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है चलो मैं बोलूंगा फ्रॉम थ्री फ्रॉम थ्री अब मैं थर्ड इक्वेशन को ले रहा हूं फ्रॉम थ्री है सी ऑफ एस जो था ये सी ऑफ एस जो है ये जी ऑफ एस तो था और डिफरेंस को हटा दे रहा हूं यार डिफरेंस इक्वेशन नंबर थ्री में क्या था आर ऑफ एस प्लस माइनस वी एफ एस ठीक है सर ये फीडबैक सिग्नल था अब मैं इक्वेशन टू यूज करने वाला हूं पता है इक्वेशन फ्रॉम टू फ्रॉम टू अब टू में मैं बोल रहा हूं कि देखो सी ऑफ एस चल रहा है ये जी ऑफ एस है जी ऑफ एस है ये आर ऑफ एस है प्लस माइनस वी एफ एस ये फीडबैक सिग्नल की वैल्यू क्या इक्वेशन नंबर टू से सर ये सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है सर ये सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है तो सी ऑफ एस इधर भी आ गया और सी ऑफ एस इधर भी आ गया चलो भाई एक साइड कॉमन ले लेते दोनों साइड सी ऑप एस है तो उधर जाना नहीं चाहता हूं मैं सी ऑफ एस को सर कॉमन ले लो सर आप तो बताओ इधर वन आएगा इधर प्लस माइनस है अगर ये प्लस होता तो उधर जाके माइनस होता माइनस होता तो उधर तो जाके प्लस होता तो प्लस माइनस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस टू प्लस क्या होगा आपके पास सी ऑफ एस की वैल्यू जी ऑफ एस इन एच ऑफ एस ये होगा ठीक है ओके, ओके?

जी ऑप एस इंटू एच ट्रांसफर फंक्शन ये आ, गया, ये आ गया, sir, yes. C R का रेस जो है वो जी अपान वन माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑपेस आ गया इतना अभी अपन लिखे उसके बाद और बात करेंगे बोर्ड में पूरा स्पेस भर चुका है इसी जगह पे कैमरा है जस्ट एक बार आप नोट कर लेंगे बड़ा सिंपल है किसी को भी पढ़ाया जा सकता है किसी को भी फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहा हूं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं क्लोज लूप सिस्टम का तो जस्ट इस जगह पे एक बार आप नोट कर लेंगे तो ऐप वाले लोग बोलेंगे नोटेड डाउन अगर आप इतना नोट कर लेंगे तो फिर पूरी चीज को हटाऊंगा और इस जगह से स्टार्ट करूंगा जिस जगह पे मैं हूं तो उस जगह को एक बार आप दिखाएंगे मस्त टाइप से ठीक है जूम वगैरह कर दे रहे ठीक है सब दिख रहा है आपने को ठीक है नोटेड डाउन हाँ ठीक है तो नोटेड डाउन यस तो कुछ लोग नोट कर लिए तो अपन यहां से हटाना चालू कर सकते बेटा यहां आ जा यहाँ से आ जाए बस ये वन ओ टू को छोड़ देना वन ओ टू को छोड़ देना और यहाँ से पूरा हटाते हुए वहाँ तक पूरा एंड कर देना अभी तक कैमरा हुई है ना हाँ ठीक है कैमरा इधर आ सकता है आ जाओ कैमरा लेके इधर आ जाओ तो चलो कैमरा मेरे साइड शिफ्ट होता है बोला ठीक है तो कैमरा मेरे साइड शिफ्ट हुआ ओके मैं बोल रहा था हम कहां पे थे हम थे कहाँ हम थे ट्रांसफर फंक्शन पे क्या था ट्रांसफर फंक्शन टी वाई आर टी वाई आर ट्रांसफर फंक्शन हमारा आया था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अपॉन वन माइनस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इसको बोलते हैं सीएलटीएफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर सी एल टी एफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सर ये माइनस प्लस आया हाँ आएगा ना क्योंकि मैं प्लस माइनस लिया था इसलिए माइनस प्लस आ गया तो सर आ, आ, ये इसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है बताया आपके पास तो आपके पास क्लोज लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम था उसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया ये आपके पास लास्ट में वही हम डिराइव किए थे अब पता है आपके पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं पता क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं इस एडर में या तो माइनस होगा बाकी चीजें नहीं बना रहा हूं इधर है आपके पास इधर भी बाकी चीजें नहीं बना रहा हूं बाकी चीजें सब ब्लॉक है ये आर है ये वी एफ एस है सब एपुर ब्लॉक्स है बाकी नहीं बना रहा हूं अगर आपका फीडबैक सिग्नल माइनस से कनेक्टेड है इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बार बार कंट्रोल नहीं बोलना होता तो क्लोज सिस्टम भी बोल देते अपन तो नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम है क्योंकि माइनस से कनेक्टेड है तो इफ फीडबैक सिग्नल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस एडर इज नेगेटिव फीडबैक फीडबैक जो है वो नेगेटिव है ओके okay. बाकी सब ब्लॉक है बना नहीं रहा हूं मैं नीड नहीं है तो एक फिगर ये हो गया दूसरा फिगर क्या हो सकता है दूसरा फिगर ये हो सकता है कि इफ फीडबैक सिग्नल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो क्योंकि एक समय में तो एक ही सिग्नल होगा ना कोई भी फीडबैक अगर प्लस से कनेक्टेड है बाकी सब कुछ वैसे ही है इसको बोलते पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम ठीक है भाई पॉजिटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम है पता आपके पास ओके okay. इसका मतलब है कि एक जो फीडबैक सिस्टम होता, होता है वही कंट्रोल सिस्टम होता है क्योंकि फीडबैक है दैट मीन सेंसर्स लगे हुए आपके पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लगे हुए तो 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 okay, तो तो कि देखो कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं। समझना कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यस सर इसमें कोई डाउट नहीं है सर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर जो होता है उसका कॉस्ट कम होता है क्योंकि वो आउटपुट के जो आउटपुट होता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता कंट्रोलिंग इसलिए कॉस्ट कम होती है सर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता, उसका जो होता, वो पे होता है वो आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है दो टाइप का होता है एक होता है नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जैसे कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का था वैसे क्लोज कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का है एक नेगेटिव फीडबैक के साथ होता होता है है और एक पॉजिटिव फीडबैक फीडबैक के साथ मतलब तो तो कंट्रोल तो जब प्लस माइनस था तो माइनस प्लस आया तो माइनस से कनेक्टेड है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा प्लस क्यों क्योंकि माइनस से तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ये हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं बोलूं कि ये सी एल टी एफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यस सर चलो पॉजिटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा यहां पे भी लिख देता हूं यार सी एल टी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी अपॉन आर यस सी अपन आर ये ट्रांसफर फंक्शन बट इस बार ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए इसका आंसर हो गया जी ऑफ एस अपॉन वन माइनस जी ऑफ एस इन टू एच ऑप यस इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक में हमारा जो फॉर्मुल होता है ट्रांसफर फंक्शन का उसमें माइनस होता है और नेगेटिव फीडबैक में प्लस होता है आपको समझ आ गया क्योंकि हम डिराइव किए जस्ट ओके तो दो टाइप के क्लोज लुप कंट्रोल सिस्टम होते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ठीक है अच्छी बात है इतना आप नोट कर लोगे उसके बाद कुछ कुछ की पॉइंट लिखाऊंगा मैं और कुछ कुछ की पॉइंट्स को आप नोट करते जाओगे कि ठीक है सर तो ई आर का रेशियो कंट्रोल आउटपुट अपॉन आर यस जी अपन वन प्लस जी एच जी अपन वन माइनस जी एच और सी वाई आर दैट मीन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ठीक है ओके सी वाई आर जी अपन वन माइनस जी एच एस ठीक है ओके okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो कुछ पॉइंट्स नोट करना की पॉइंट्स लिखना अपने को की पॉइंट्स वन बाई वन की पॉइंट्स नोट करते जाएंगे अपन कुछ कुछ अच्छी बात करते जाएंगे और की पॉइंट्स भी नोट करते जाएंगे ठीक है ओके okay. तो की पॉइंट्स लिखेंगे इसको अगर नोट कर लियो तो ब्लॉक डायग्राम था बेसिक तो कुछ कुछ की पॉइंट्स नोट करेंगे तो लिखेंगे की पॉइंट्स ठीक है लिखेंगे अपन की पॉइंट्स लिखेंगे यस yes. प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हो बोल भी चुका हूँ कि आपको बस मेरे को फॉलो करना है बस इसके कोई स्टोरी नहीं है और कंट्रोल सिस्टम पढ़ते पढ़ते आपको अलग टाइप की फीलिंग आएगी सिर्फ कंट्रोल सिस्टम तो आपसे बनेगा वो तो उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है लेकिन इन जनरल भी आपकी फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होगी टेक्निकल फीलिंग क्योंकि मैं बहुत सारी अलग वे में भी बात करता हूँ कंट्रोल सिस्टम की बात के साथ साथ चीजों को कनेक्ट भी करूँगा कई जगह पर चलो की पॉइंट लिख रहे अपन की पॉइंट की पॉइंट ठीक है चलो फर्स्ट की पॉइंट वन बाय वन लिखते जाएंगे द फर्स्ट की पॉइंट ठीक है फर्स्ट की पॉइंट द फर्स्ट की पॉइंट पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड फॉर नो डाउन पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड मल्टीवाइब्रेटर क्या लिखे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड मल्टीवाइब्रेटर पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड मल्टीवाइब्रेटर ऑसिलेटर एंड मल्टीवाइब्रेटर ठीक है पॉइंट पॉइंट नेगेटिव फीडबैक इज यूज फॉर नेगेटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर ठीक है सर डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर पता जितने भी एम्पलीफायर आप पढ़ते हो एनालॉग सर्किट में सब नेगेटिव फीडबैक पे रहते हैं इन जनरल फीडबैक एम्पलीफायर जब मैं पढ़ाता था वोल्टेज सीरीज वोल्टेज संड करेंट सीरीज करेंट संड जितना भी फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ाता था उस सबका सब नेगेटिव फीडबैक पे था अभी कई लोग बोल रहे थे कि सिलेबस में वोल्टेज सीरीज वोल्टेज संड फीडबैक एम्पलीफायर हटा दिया गया मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसको पढ़ के ना जाए सबको पढ़ के जाना चाहिए बिना फीडबैक के बिना फीडबैक के कोई कैसे होगा आपके पास आपको नेगेटिव फीडबैक ही नहीं पता रहेगा क्या चीज़ होता है तो फीडबैक एम्पलीफायर का बेसिक आइडिया होना चाहिए पूरे टोपोलॉजी का बेसिक आइडिया होना चाहिए ठीक है ओके मैं रिकॉर्डिंग पढ़ना है सिलेबस देख के नहीं बनता पेपर इतने दिन से जो मैं देखते आ रहा हूं तो सिलेबस देख के नहीं बनता मैं पहला पॉइंट क्या बोला पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड मल्टीवाइब्रेटर नेगेटिव फीडबैक इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर ठीक है थर्ड थर्ड पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम थर्ड पॉइंट पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम अब ये कैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है पहला चैप्टर खत्म होते तक आपको पता चल जाएगा इवन दो क्लास में भी पता चल जाएगा आज पता नहीं चल सकता कि पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को कैसे डिक्रीज करता है आज नहीं पता चलेगा लेकिन ये चैप्टर खत्म होते तक आपको पता रहेगा तो पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम ठीक है फोर्थ पॉइंट नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता होगा इंटरेस्टिंग होगा यह भी इस चैप्टर में पता चल जाएगा आपको आज पता नहीं चल सकता पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्ड एज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्ड एज री जनरेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्ड एस रीजनरेटिव, आर ई जी ई एन ई आर ए टी आई वी री फीडबैक सिस्टम रीजनरेटिव में अंडरलाइन करेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्ड एस रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्ड एज रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम इसका भी आपको पता चलेगा कि क्यों इसको रीजनरेटिव फीडबैक बोलते हैं यह भी इस चैप्टर में आपको पता चलेगा रीजनरेटिव ठीक है सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज आल्सो रिफर्ड एज डी जनरेटिव डीई उसको री बोला था इसको डी बोल रहा हूं डी जनरेटिव फीडबैक सिस्टम डी जनरेटिव फीडबैक सिस्टम

वो डाउट में रहता है कि मेरे को आंसर कौन सा देना है उसको उसको अब समझ नहीं आ रहा कि क्या आंसर देना है कुछ लोग याद कर लेते बट रीजन नहीं पता होता तो आपने रीजन पता होगा और अगर आपने को रीजन पता होगा तो आज से पांच साल बाद भी आप रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब बता पाओगे कि वो पॉजिटिव फीडबैक है क्योंकि आपको रीजनरेटिव का मीनिंग पता होगा कि वट डू मीन बाय रीजनरेटिव वट डू मीन बाय द डीजनरेटिव ये इस चैप्टर में ही आपको पता चलेगा ठीक है इसका मतलब है इस चैप्टर में आपके पास इन जनरली आपको ये सब पॉइंट पता चलेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में जो जो मैं लिखा हूं, इस चैप्टर के अंदर में ठीक है सिक्स पॉइंट था सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट ओके क्या बोल रहा हूं पॉइंट इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन सेवन पॉइंट लिखेंगे इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ फीडबैक इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ फीडबैक देन बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक ऐसा बहुत ही कम होता है जो आई आई टी के प्रोफेसर रहते हैं वो लोग प्रॉपरली क्वेश्चन लिखते हैं लेकिन बहुत बार दूसरे एग्जाम जो होता है आ, कुछ इसरो का एग्जाम हो गया कभी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो गया उसमें कई बार इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहती है बड़े अच्छे से लिखते नहीं कभी कुछ मिस हो जाता है तो मेरी पूरी बात को तो ध्यान से सुनना है इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ फीडबैक देन बाई डिफॉल्ट

ठीक है <laughs> क्या पॉइंट लिख रहे थे आप इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन और फीडबैक देन बाई डिफॉल्ट वी विल कंसिडर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम देन बाई डिफॉल्ट वी विल कंसिडर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ठीक है ओके okay. ये सेवन पॉइंट था हमारा सेवन पॉइंट पॉइंट था है हमारा ठीक uh, है एट पॉइंट लिखते हैं क्या एट पॉइंट एट पॉइंट लिख रहे हैं हम इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक एलिमेंट इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक एलिमेंट एट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग If there is no information about feedback element then by default we will consider if there is no information about feedback element then by default we will consider unity feedback system then by default we will consider unity feedback then by default we will consider unity feedback system then by default we will consider unity feedback system

ठीक है एक दो बस इसको एट वाले पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ ठीक है कुछ लोग परेशान होना चालू हो जाएंगे <laughs> कुछ लोग का कॉल आना चालू हो गया ठीक है हाँ कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो <laughs> उनको लगेगा मैं फिट नहीं हूँ तो क्लास ले रहा हूँ तो कुछ लोग परेशान होना चालू हो जाएंगे हैं हाँ अपन ना ठीक है मैं दो फिगर बना रहा हूँ एट पॉइंट के बाद में मैं मैं इतना हटा लूँगा। YouTube के कमेंट्स को ऑन कर सकते हो देखो आपके पास जो मैं बोला कि एच एस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वी विल कंसिडर यूनिटी फीडबैक सिस्टम दैट मींस एच ऑफ एस इक्वल टू वन एच एस इक्वल टू वन ओके क्या होता है दो टाइप के आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो सकते दो टाइप के यूनिटी फीडबैक सिस्टम पता आपके पास ये प्लस माइनस लिखा जी ऑप एस लिख रहा हूं ये जी ऑप एस और देखो आपके पास इसको बोलते यूनिटी फीडबैक सिस्टम ये आर ऑफ एस है ये सी ऑफ एस है पता इसमें एच ऑप एस की वैल्यू वन है डायरेक्टली आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड डायरेक्टली सी ऑप एस ये है पता आपको इसको बोलते हैं नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम ठीक है नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम बोलते हैं इसको ठीक है नो no प्रॉब्लम अब अगर ये एच ओप की वैल्यू वन है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा सी बाई आर की वैल्यू कितना होगा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितना होगा एच की वैल्यू वन है तो जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस ये हो गया नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है है ये पता आपके पास वन वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली आउटपुट इज कनेक्टेड टू इनपुट एच ऑफ एस की वैल्यू वन है इधर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम जी अपान वन प्लस जी जी अपान वन प्लस जी लिखे तब मैं एस लिखा हुआ है कई बार अपन क्या करते बताएं कि एस नहीं लिखते सीधे ऐसी बात करने के लिए जी अपान वन प्लस जी लिखते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप अगर ऐसा लिख रहे हो तो भी सही है आप ब्रेकेट में एस लगा रहे तो भी सही क्योंकि एस तो है ना क्योंकि ब्लॉक डायग्राम है तो ट्रांसफर फंक्शन तो है कभी कभी नहीं लिखते हम लोग एस नहीं लिखते, एस नहीं लिखते तो कहीं पे भी नहीं लिखते तो चलता है ऐसा नहीं कि गलत हो गया एस नहीं लिखे सर एस लिखो ना लिखो इट्स ओके ये अंडरस्टूड होता है तो मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम इसके बाजू में अगर मेरे को सिस्टम बनाना है इसके बाजू में एक और सिस्टम बना लेता हूं मैं पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम तो आज क्लास जल्दी छोड़ना पड़ेगा बहुत सारे जो मेरे को लाइक नहीं करते होंगे हैप्पी हो जा रहे होंगे सोच रहे होंगे सर को कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तो बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे हैप्पी हो जा रहे होंगे उनको लग रहा होगा ठीक है अब गेट अकेडमी को अपन कॉम्पिटिशन दे पाएंगे करके उनको लग रहा होगा कि मेरे को कुछ हो जाएगा तो फिर तो गेट एकेडमी में जितने भी लोग हैं उनको तो मैनेज कर ही लेंगे ऐसा सोचते होंगे कई लोग तो हैप्पी हो जाते होंगे बट ठीक है आप लोगों की प्रेयर्स और हम लोगों के बीच का जो कॉम्बिनेशन प्यार है हो जाऊंगा मैं फिट अभी मेडिकल मेडिसिन वगैरह सब कुछ चल रही है तो इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा मैं लेकिन हो जाऊंगा तो ये आपके पास जो है द पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है

तो अभी जस्ट पॉइंट नोट थे पॉइंट पे थे इफ इज नो अबाउट फीडबैक एलिमेंट देन डिफॉल्ट वी विल यूनिटी फीडबैक सिस्टम दैट एच ऑफ एस इक्वल टू वन वन लिखने की जरूरत नहीं रहती है ये वन ही है किसी लाइन का मतलब ही वन होता है उसका गेन वन है पता है किसी लाइन में अगर कोई ब्लॉक नहीं लगा तो गेन वन है वन लिखते नहीं अपन दिस वन एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम एक पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम दो बना हुआ आपके पास देखा आपके पास देखो ध्यान से नोट कर लिए इस वाले पॉइंट्स को नोट कर लिए इस वाले पॉइंट्स को ओके नेक्स्ट पॉइंट में स्टार डाल, डाल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में स्टार डाल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में स्टार डाल रहे बोला नाइन्थ पॉइंट नाइन्थ पॉइंट नाइन्थ पॉइंट मोस्टली नाइन्थ पॉइंट नाइन्थ पॉइंट स्टार डाल रहे स्टार डाल रहे क्या मोस्टली वी यूज नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम नोट डाउन मोस्टली वी यूज नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम स्टार क्या लिख रहे हैं मोस्टली वी यूज नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम यस इसका रीजनिंग आपको पता चलेगा जब मैं टाइम रिस्पॉन्स पढ़ाऊंगा और ये लास्ट पॉइंट लिखा है ये हर टीचर को पता होना चाहिए स्टूडेंट को ना भी पता हो तो एक टीचर को जरूर पता होना चाहिए कि क्यों हम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम यूज करते हैं टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितने लोग भी कंट्रोल सिस्टम का कोर्स ज्वाइन किए होंगे जितने भी टीचर लोग होंगे तो आ, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन, उनको ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए कि नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं और टाइम रिस्पॉन्स में इसका आंसर पता चलेगा इस चैप्टर में इसका आंसर पता नहीं चलेगा बट आपके पास आंसर होगा आप कोई भी पेपर ओपन कर लो कंट्रोल सिस्टम का पिछले 25 साल का गेट ईएससी कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव आपको क्या दिखेगा पता है कोई भी पेपर कोई भी चैप्टर कोई भी चैप्टर पूरे 12 चैप्टर है कोई भी चैप्टर ओपन कर लो 25 साल के पेपर ऐसे कंट्रोल सिस्टम को पढ़ाओगे हर जगह एक ब्लॉक डायग्राम बना होगा एवरीवेयर यह ब्लॉक डायग्राम नहीं बना होगा तो क्वेश्चन को रीड करोगे हर जगह ब्लॉक डायग्राम या क्वेश्चन लिखा होगा नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम ब्लॉक डायग्राम या हर जगह हर जगह स्टेटमेंट या ब्लॉक डायग्राम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम तो हर जगह नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम देखने को मिलता है कोई भी चैप्टर पढ़ो कोई भी एग्जाम हो कभी भी हो नाइनटीज में था चाहे वो टू थाउजेंड ट्वेंटीज में सिस्टम। आंसर नहीं पता चलेगा और आंसर आज मैं दूंगा भी नहीं क्योंकि अभी तो हम पहले चैप्टर में है ना तो हर चीज कैसे पता चलेगी आपको तो टाइम रिस्पॉन्स में पता चलेगा कि क्यों हम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं यस तो अभी मैं लिखा कि इन जनरल डिजाइनिंग के लिए इन जनरल डिजाइनिंग के लिए अपन ये यूज करते हैं बोला ठीक है ओके तो ठीक है <laughs> तो जस्ट टू टॉपिक पढ़े अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बस इतना था ये टॉपिक नंबर टू में इतना ही था वैसे तो मैं सोचा था कि चार टॉपिक पढ़ाऊंगा आज में चार टॉपिक पढ़ाने का प्लान था लेकिन मेरे को लग रहा है कि ठीक है दो टॉपिक पढ़ाया हूँ तो कल अपन रखेंगे क्लास सात बजे कुछ होने से ठीक है कुछ होने से मैं देख रहा हूँ जल्दी से जल्दी मतलब आ, मैं रिकवरी फास्ट चाहता हूँ तो ठीक है एक साथ इतनी सारी चीज़ें <laughs> तो, तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैप्पी हो गए होंगे <laughs> कि अरे सर मतलब पहली बार तो सर मतलब अनफिट है मतलब इतने सालों से मतलब क्लास ले ही रहा हूँ इतने सालों से क्लास ले ही रहा हूँ तो आ, पहली बार ही थोड़ा सा अनफिट हुआ हूँ तो ठीक है आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जितना भी आ, सब लोगों का कनेक्शन है इट्स ओके okay. तो हो पाएगा सब कुछ ये सब कुछ इजीली अपन कर पाएंगे तो मैं ठीक होऊंगा बोला अभी क्या लेग लेग में भी पेन है मेडिसिन बॉडी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ नंबर ऑफ मेडिसिन ज़्यादा हो जा रही है ठीक है नो प्रॉब्लम आ, आ, ठीक है तो कल कल अपन क्लास रखेंगे हो सकता है कि मैं थ्री आवर्स की क्लास स्ट्रेच ना कर पाऊं टू आवर्स की क्लास रखूं जब लगेगा कि ठीक है करके जब लगेगा कि ठीक है तो मैं थ्री आवर्स की क्लास भी स्ट्रेच करूंगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं कंट्रोल सिस्टम आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो जितने लोग भी ऐप वाले लोग हैं पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम मेरे भरोसे छोड़ सकते हो आप कंट्रोल सिस्टम की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ठीक है पूरा पूरा मेरे भरोसे छोड़ सकते हो जितने भी यूट्यूब वाले फैमिली वाले लोग हैं आप लोगों को पहला चैप्टर मैं पढाऊंगा तो ऐसा ही पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे बड़े ध्यान से पहला चैप्टर पढ़ना बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाएंगे पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते तक आपको एक अच्छा फीलिंग आ जाएगा पहला चैप्टर ख़त्म होते तक ठीक है तो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है <laughs> लाइफ का पार्ट है थोड़ा थोड़ा ये सब होते रहेगा थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा दासर की क्लास कल है बोला अगर आपको आइडिया होगा तो दासर की क्लास कल है है ना दासर कल क्लास लेंगे आ, तो ठीक है तो <laughs> ठीक है आप लोग आप लोग लो, दिल से इतना सारा चाहते हैं बोला तो किसी के नेगेटिव सोचने से या किसी के कुछ बोलने से कुछ भी नहीं होगा इट्स ओके सब कुछ सब कुछ एवरीथिंग विल बी फाइन ठीक है ओके okay. बहुत सारा प्यार आप लोगों को बहुत सारा प्यार लव यू ऑल लव यू ऑल तो कल भी अपन सात बजे क्लास रखते हैं कुछ होने से मैं आपको अपडेट करूंगा ठीक है तो कल भी अपन लाइव में भी रखेंगे ऐप में दोनों में रखेंगे यूट्यूब में भी रखेंगे इसमें भी रखेंगे ठीक है आप आराम से बस पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते रहना ठीक है हाँ तो ठीक है आपको आज की क्लास आपको आज की क्लास समझ आए पूरी आपको एक बेसिक फीलिंग समझ आया आपको ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा तो पढ़ा नहीं पाया मैं बड़ा स्टार्ट ही किया था ज़्यादा डील नहीं कर पाया आपको आज की क्लास एकदम क्लियर हुई बहुत अच्छे से कि आपको पूरी चीज़ें आप नोट कर पाए आपको समझ आ पाया आप अच्छे से समझ पाए कि ऐसे कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए तो आपको आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा कि कंट्रोल सिस्टम में कैसे स्टार्ट करना चाहिए किसी टॉपिक को किसी सब्जेक्ट को तो ठीक है आप इन्जॉय किएंगे आई होप ठीक है तो चलो आज का सेशन में एंड करता हूँ आज का सेशन में एंड करता हूँ बोला कल 7 पीएम रखेंगे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें चलती रहेगी तो कभी कभी एक दो क्लासेस कुछ रीशेड्यूल भी हो सकती है एक दो क्लासेस कैंसिल भी हो सकती है बट जैसे ही मैं परफेक्टली सब कुछ ठीक रहेगा तो आ, मैं क्लास लूँगा ही फिफ्टी परसेंट भी ठीक रहूँगा तो क्लासेस इंगेज करूंगा मैं ठीक है ओके तो आ, चलो आप लोग इन्जॉय किए आई होप आप कंट्रोल सिस्टम की फीलिंग तो स्टार्ट हो गई है कंट्रोल सिस्टम का जो पार्ट हो वो स्टार्ट हो चुका है तो फाइनली आपकी फीलिंग स्टार्ट होगी और वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि आप फील कर पाओ ठीक है चलो तो आज की क्लास में एंड करता हूं आ, तो फाइनली सेशन एंड करते हैं ओके थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय